हेलो, मैं गुरु बोल रहा हूँ, 11:30 आ रहा हूँ। ओके सर, कैशियर को यस बुलाओ। सर, यस सर। शिवा, गुरु आज 11 बजे आने वाला है। गुड मॉर्निंग सर। Marvelous. सबकी सैलरी सुबह लीजिए। ओके सर। एक्सक्यूज मी, ड्राइवर एसी क्यों नहीं चल रहा? खराब हो गया है बॉस। ये सब पहले क्यों नहीं चेक करते हो? वेरी बैड, वेरी अनप्रोफेशनल। ठीक है, उस गाड़ी के पास ले जाकर गाड़ी खड़ी करो। What the hell? Excuse me, गाड़ी आगे लीजिए प्लीज। हमारी मैडम पहले उतरेंगी। कौन है तुम्हारी मैडम? Excuse me, अपने ड्राइवर को गाड़ी आगे लेने को बोलो। ड्राइवर, उस गाड़ी को आगे जाने के लिए कहिए। हम यहाँ पहले आते हैं, तुम आगे लो। क्या है, मेरी मैडम को ये वो कहते हैं, पहले तमीज से बात करने के लिए कहो। तमीज? अरे कैसी तमीज, तुम्हें तमीज चाहिए या सलवार कमीज चाहिए? तमीज ना जानने वाले से हम अगर तमीज के बारे में बात करें तो हमारी बेइज्जती होगी, उसे पहले जाने दो। गाड़ी खड़ी करने के बाद किस तरफ से उतरना चाहिए ये सिखा दीजिए। ये मेरी गाड़ी है, इसमें 4 एग्जिट है, मैं किसी भी तरफ से उतरूं ये मेरी मर्जी है। फालतू लोगों से बात करके मैं टाइम वेस्ट नहीं करती, चलो। एक्सक्यूज मी, बात करने की तमीज नहीं है, किसको पागल कहा तुमने? हाँ, एक्सक्यूज मी, भाग के कहाँ जा रही हो? सर, आपको देख के कही थी। तुम कैसे कह सकते हो? मैंने देखा था, आपको ही बोली थी। ठीक है, तुम गाड़ी लेके ऑफिस जाओ। सर, आपकी गाड़ी कहाँ है? मेरी गाड़ी यहाँ है, तुम ऑफिस जाके एसी ठीक करा के मुझे फोन करो। ओके सर। चलो निकलो। ये रही मेरी रात प्यारी। आप यहाँ पे गाड़ी पार्क मत कीजिए। यहाँ मास्टर गाड़ी पार्क करते हैं। मैं 10 मिनट में काम करके आ जाऊंगा। हमारे मास्टर की गाड़ी के अलावा और किसी की गाड़ी यहाँ नहीं पार्क हो सकती। हैं? कौन है रे वो मास्टर? वो आ गए हमारे सुपर मास्टर। या! 1 2 हे हाय शो। एक्सक्यूज मी, यस, आप कौन से मास्टर हो, मैं जान सकता हूँ क्या? होटल में टी मास्टर। हाँ। स्कूल में ड्रिल मास्टर। हाँ। सड़क पे नाश्ते गाते जा रहा हूँ तो हूँ मैं सड़क मास्टर। वैसे जब मैं योगा सिखाता हूँ तो योगा मास्टर। बिल्डअप तो बहुत बड़ा दे रहे हो और तुम साइकिल में आ रहे हो। सिर्फ मैं नहीं, हाँ। आने वाले 10 सालों में ये पूरा देश साइकिल, हाँ, की सवारी करेगा। पेट्रोल डीजल के दाम दिन प्रतिदिन, हाँ, बढ़ते जा रहे हैं। हर घर में पेड़ उगाओ कहते हैं, वैसे ही हर घर में साइकिल रखना जरूरी है, देखना एक दिन ये ऐड जरूर आएगा। हाँ? अब तुम्हारी आंख से आंसू क्यों बह रहे हैं? आंख में उंगली लगी क्या? मैंने फील किया था। अच्छा, फील क्यों किया था? आपने फील करने पे मजबूर किया था। ये है मास्टर हेयरबॉल। ये कौन है? मैं मास्टर हूँ, ये पीस है। हाँ? समझा, मास्टर पीस। हाँ? मास्टर अरुल आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। बच्चों, अपनी दुकानें जमीन पे रखो,
आज जो तुम्हारे पास है कल किसी और का होगा, परसों किसी और का। आहा। इस दुनिया में सिर्फ विज्ञान और इकोनॉमिक का विकास नहीं हुआ, साथ साथ बदन का भी विकास हुआ। ये बदन ठीक करने के लिए चाहिए योगा, मेडिटेशन। अभी मैं आप लोगों को वही सिखाने जा रहा हूँ। लाइट्स ऑफ, लाइट्स ऑन। मास्टर अभी नमस्कार कर रहे हैं, मास्टर अभी सलाम कर रहे हैं, मास्टर अभी आशीर्वाद दे रहे हैं। आप महान हो, महान हो। मास्टर अपने नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए टाइम देख रहे हैं। हया, सुपर। मास्टर अभी रिलैक्स कर रहे हैं। लाइट ऑफ सिर्फ एक सेकंड के लिए हुआ, इतने में आप पैर ऊपर कैसे लेकर आए मास्टर? जो ये पैर पीछे से रखा है वही जानता है, है? मास्टर मैं कह रहा था मेरे पीछे बैठे महागुरु लोग ही वो रहस्य जानते हैं, यही बात मैं आप लोगों को कहना चाह रहा हूं। लाइट बंद किए बिना ही कीजिए, हम लोग भी सीखेंगे। तुम साधारण से बैठे हो तो मटका जमीन पे लटक रहा है, लेकिन तुम ये तुरंत क्यों सीखना चाहते हो? सिर्फ 6 महीने में मैं तुम्हें ये सिखा सकता हूँ, समझ गए? हर महीने 3,000 फीस देना होगा, ओके है क्या? ओके। 1,001 रुपया एडवांस मांगा था, पैसा लाया क्या? 1,001 भरना है, कहाँ भरना है? मेरे हाथ में दे सकते हो, पैर में भी दे सकते हो, ये साइड में बॉक्स है उसमें डाल सकते हो, आप जैसे चाहे दे सकते हो। अभी आप लोग यहाँ से निकलो, टाटा टाटा। अरे मास्टर मेरे पैर में दर्द होने लगा है। अरे ये हाथी जैसे पैर उठाओ, मेरे कंधे में दर्द हो रहा है। अरे बाप रे, मेरा पैसा मास्टर। ये लो 100 रुपए, आप बिना मेहनत की कमाई खाते हो मास्टर। ठीक है ठीक है, अभी निकलो, कल आना। ये काम तो मैं मजबूरी में करता हूँ, नहीं तो क्या कमिश्नर की पोस्ट पे जाएगा क्या? ए, तुम सिर्फ अपने पैरों को काम देते हो, लेकिन मैं अपने दिमाग से काम लेता हूँ। माँ मुझे काम है, मुझे 1,000 रुपए चाहिए। मैं क्या बैंक चला रही हूँ? जाओ तुम्हारे पिताजी से मांग लो। ओके। पापा मुझे शॉपिंग करनी है, 1,000 रुपए दो ना। पैसा हमेशा देने के लिए मेरे पास क्या एटीएम है? जाओ तुम्हारे भाई से मांगो। हे गुरु, तुम्हें पैसे क्यों चाहिए? ड्रेस लेना है। मेरी बात सुनो, तुम्हारी शादी होगी और तुम्हें हैंडसम पति मिलेगा, वही तुम्हारे लिए ड्रेस लेके आएगा। ये तो महाकंजूस है। नहीं तो महाकंजूस का बेटा कैसा होगा? गुरु सुपर। क्या सुपर है, इसकी उम्र ढलती जा रही है, कोई भी लड़की नहीं पटा पा रहा है, काय का सुपर है ये? 42 लड़कियों के मना करने के बावजूद भी मैंने आपसे शादी की थी, समझ गए ना? सैक्रिफाइस कैरेक्टर। माँ अब बस करो भी। hey, चुप हो जा, माँ की बात सुनने दो, तुम बिल्कुल सही कह रही हो माँ, कंटिन्यू माँ। हमें चढ़ा के तमाशा देखता रहेगा क्या? मॉम मैं आपकी टीम में हूँ। गुरु अभी तो मुझे पैसा दे रहा है कि नहीं? नहीं 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 देगा, नहीं तो तेरे जमा किए सारे पैसे खराब हो जाएंगे। तुम्हारी होने वाली पत्नी तुम्हारा सारा पैसा लूटकर तुम्हें अभी की तरह बीच सड़क पर खड़ा कर देगी। ए, मेरे बेटे से शादी करने के लिए पैसे वाली लड़कियां सब लाइन से खड़ी हैं। मेरी शादी हो गई है, देखो फिर से शुरू हो गई। आओ माँ, मैं अपने इस सपने से शादी कर चुका हूँ, जब तक मेरी खुद की ऑफिस नहीं होगी मैं किसी लड़की से शादी नहीं करूंगा, मैं शादी नहीं करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। माँ एक बार मेरा इस ऑफिस का सपना पूरा हो जाए माँ, फिर मैं शादी करूंगा। कितनी बार कहेगा, मैं ये जानती हूँ बेटा। नहीं माँ, नहीं माँ, मेरा सपना पूरा होने तक मैं सुनाता रहूंगा और आप मुझे सुनती रहेंगी, समझी? तेरी चाहत जरूर पूरी होगी, समझा? मेरी ही हवा चल रही, मेरी ही तो फिजा बन रही, चाहूंगा अब दुनिया पे मैं, लोगों में है मची खलबली, आओ थोड़ा थोड़ा मजा हम करें, यारों के साथ मिलके मस्ती करें, जिंदगी जीने का लेना हो मजा तो मेरे पास सब मिल आओ, मैं दूंगा तुमको सितारे।
आएंगे डॉलर और फैक्ट्री, गिनीज बुक में आएगा मेरा सेक्रेटरी, मिस वर्ल्ड घूमेंगी मेरे साथ में, बोलेंगी हाथ दे मेरे हाथ में, घूमूंगा मस्त मलंग में चिल मार के, पाऊंगा परियों को मैं दिल हार के, घूमूंगा मस्त मलंग में चिल मार के, पाऊंगा परियों को मैं दिल हार के, हेलो मई बेबी कहता रहूं दिन रात, मौसम चाहे कोई भी हो ठंडी गर्मी बरसात, मैं दूंगा तुमको सितारे। पेरिस में एफिल टावर पे हम झूले, कौन कहाँ है हम सबको भूले, ताजमहल शाहजहाँ का अब मैं ले लूं, दुनिया की हर चीज से अब तो मैं खेलूं, जो भी चाहूं उसको चुटकी में पालूं, चाहे जलेबी मुन्नी शीला या शालू, पैसों की बारिश से मैं नहा लूं, मेरी सेल्फी लेने आता है भालू, हेलो मा बेबी कहता रहूं दिन रात, मौसम चाहे कोई भी हो ठंडी गर्मी बरसात, मैं दूंगा तुमको सितारे, मेरी ही हवा चल रही, मेरी ही तोफी जा बन रही, आओ थोड़ा थोड़ा मजा हम करें, यारों के साथ मिलके मस्ती करें, जिंदगी जीने का लेना हो मजा तो मेरे पास सब मिल आओ, मैं दूंगा तुमको सितारे। हे बॉस। यस बॉस। छी तुम हो। वाह आउच, क्या रे तूने मेरा सपना तोड़ दिया। तुम जिस पे बैठे हो बॉस की चेयर है, तुम उनके पीए हो, मैं उन्हें बताऊंगा। बॉस तो बाहर गए हैं, फोन करके उनको बुलाकर बताऊंगा। तो मैं भी बताऊंगा। मेरा क्या बताएगा? योगा के नाम पे करने वाले नाटक के बारे में। मैं प्रॉपरली योगा सीखा था। अच्छा, किससे सीखा था? वो आसान एंडी प्रसाद से। सर्टिफिकेट दिखा। सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है, वो पैर कंधे पे डाल के बैनर में बैठे हैं, इसी से मैं अपनी जिंदगी काट रहा हूँ, लेकिन तुम क्यों मेरी जिंदगी खराब करना चाहते हो? आइए, क्या हो रहा है? वहाँ देख, मेरी स्टूडेंट आ रही है। मास्टर, मेरी कैटवॉक कैसे लगी? ये कैटवॉक है या एलिफेंट वॉक है? तुम अपनी क्लास कैंसिल करके अफ्रीका के जंगल में सेटल हो जाओ, वहीं रहना। अम्मा, ये उसे कहना जरूरी था क्या? बॉस, 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 बॉस। गुरु। यस बॉस। कल सुबह करेक्ट 9 बजे एयरपोर्ट पहुंच जाना। यस बॉस। आइयो, उन दोनों को छिपा के रखना पड़ेगा, बॉस को पता ना चले। क्या है दोनों? वो मेरी क्लास में दो लड़कियां शामिल हुई, उनके बारे में बॉस को पता नहीं चलना चाहिए। क्यों भाई? अरे उनका कैरेक्टर ही ऐसा है भाई। Welcome back. Hey. Welcome back, boss. How are you? Okay, darling. Bye. आइए boss. दीजिए boss. ये लो. Hi, hi, hi. मेरी डेटिंग के लिए boss, boss, बहुत सारा काम है boss. ट्रिप कैसा रहा आपका boss? मैं बहुत tired हूँ. इसका मतलब ट्रिप बिल्कुल ही सक्सेसफुल रहा. हाँ, full success. कौन कौन फोन किया था? बस रीना, इलियाना, दीपिका, सोनिया ने फोन किया था boss. पहले तीनों को ओके करो और चौथी वाले को कट करो। मैं ठीक ही सोच रहा था, लेकिन इन सबसे मिलकर एक अच्छी जगह पर डिस्कस करने के थोड़ा पैसा चाहिए बॉस। मुझे आपका रेपुटेशन मेंटेन करना पड़ेगा ना बॉस। जानता हूं। वहाँ नहीं, आपके लेफ्ट पॉकेट में है बॉस। ओके। ए, तुम्हें कैसे पता चला? ये लो, सच में गुरु तू कमाल का है। हाँ? क्या गुरु, बाहर खड़े हो, बॉस ने काम से निकाल दिया क्या? हाँ। ऐसा क्यों? सुन, बात यह है कि एब्रॉड से कुछ डेलीगेट आ रहा है, उनका वेलकम करने के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। ओहो, ऐसी बात है। उन आदमी को तुम लेकर चलना और उस बेबी को मैं लेकर आता हूँ। हाय, नाइस टू मीट यू।
थैंक यू मैडम। आप ओपन टाइप हो, सही कहा ना? आपने ये कैसे पहचाना? आपके पीछे देखकर ही बोला। वाह रे वाह, कितना एरिया फ्री छोड़ के रखा हुआ है। रिश्तेदारों को लेटर लिख सकते हैं, बहुत जगह खाली है। ठीक, नॉटी। अरवला। हाँ गोपाल सर, आप यहाँ क्यों, क्या हुआ? आज तो आप बहुत हैंडसम लग रहे हो, क्यों आज नहाए हो क्या? मुंह बंद कर, मेरे सामने चमचागिरी मत करना। तुम ऑफिस में नहीं थे, इधर उधर घूम रहे थे, ये मैंने सुना है। हाँ जी, योगा क्लास खत्म करके फिर मैं यहाँ वहाँ घूमता हूँ, लेकिन मुझसे आपको सवाल नहीं करेंगे। जो पूछा उसका सोच समझ के जवाब दो। आपके सपनों की रानी के लिए इधर उधर घूमता हूँ, आपको जरूरत नहीं तो मुझे। अरवल भाई, अरवल भाई, नहीं, मुझे जाने दो, जाने दो। सपनों की रानी को ढूंढ रहे थे? सच में, कल रात को मैंने एक सपना देखा था। उस सपने में आपकी होने वाली रानी को मैंने देखा। वो कैसी दिख रही थी? नैन और तारे को मिलाए तो कैसा दिखेगा? मैं समझा नहीं अरवल भाई। नैन तारा के साथ त्रिशा को मिलाए तो जो लड़की बनेगी वैसी ही थी। नैन तारा के साथ त्रिशा को मिला के? अभी इतना सोचो मत, अभी इतना सोचोगे तो भी वो तुम्हें नहीं मिलेगी। अभी अपना मुंह बंद करके रखो। नैन तारा फॉर द न्यू प्रोजेक्ट वी आर लुकिंग फॉर ए नाइस यंग फेस। उप्स, हेलो चेयरमैन ऑफिस। किला है। ओह हेलो मैम, हाउ आर यू? इज आवर वेडिंग एनिवर्सरी। ओह मेनी मोर हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू। कृष्णा फ्री है क्या? नहीं मैम, बॉस मीटिंग में मीटिंग कर रहे हैं, खत्म होते ही बताता हूँ। मैं उसका वेट कर रही हूँ। ओके मैम, थैंक यू। एक्सक्यूज मी बॉस, मैडम ने फोन किया था, आज आपका मैरिज एनिवर्सरी है, याद दिलाने को। मेनी मोर हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। सॉरी बॉस। गुरु। यस बॉस। अच्छा, मेरी शादी का डेट नहीं बदल सकता क्या? समझ गया बॉस, इसलिए मैंने आपकी वाइफ के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गिफ्ट खरीद के रखा है। बॉस देखेंगे तो खुश हो जाएंगी, देखते दोबारा आपसे शादी कर लेंगी। वेरी गुड, सुपर गुरु। थैंक्स, इसलिए तुम मेरी राइट हैंड बने हो। ये मेरा लेफ्ट हैंड है बॉस। गुड मॉर्निंग सर, आपके शुरू करने वाले तीन कंपनियों के लिए मुबारकबाद देता हूँ सर। वो तीन कंपनी में से एक कंपनी का बॉस। थैंक यू सर। गुरु को बनाऊंगा बॉस। रियली बॉस? कम गुरु। यस बॉस। जल्दी ही मैं तुम्हें एमडी बनाऊंगा, एक राजा जैसी तुम्हारे पास ऑफिस होगी, तुम्हारे नीचे बहुत लोग काम करेंगे। हैप्पी? यस बॉस। बाय द वे, वो वेडिंग गिफ्ट तुम खुद दे दो। ओके यस बॉस। बॉस बॉस बॉस, गिफ्ट लेना है तो अच्छा गिफ्ट लेना चाहिए, अच्छा गिफ्ट लेने के लिए थोड़ा अच्छा पैसा भी चाहिए। यस डेफिनेटली। ओह टॉपलेस फॉर ये है क्या? यस बॉस। यही है ना? यस बॉस। है ना? बस बस। ए हेलो, इस दुकान की सबसे कॉस्टलीस्ट ज्वेलरी जो है वो मेरे लिए आप पैक कर दीजिए, समझे? यस सर, रेडी सर। सर आपका संभाल के बैग दे रहा है या बम दे रहा है? फ्रेंड्स, आज मेरी बेटी का वेडिंग डे है। एंड विश यू अ वेरी 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 हैप्पी एनिवर्सरी। यू आर वेलकम। कृष्णा कहाँ है? आंखें बंद कीजिए, आंखें बंद कीजिए प्लीज। लेकिन प्लीज 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 प्लीज। वाह पापा, पापा, अब आगे खोलिए। दिस इज फॉर यू। वाओ, इट्स ब्यूटीफुल। बॉस अब्रॉड से सिर्फ आप ही के लिए ढूंढ ढूंढ के लाया है। कृष्णा कहाँ है? बॉस ने सोचा था कि इस हार को आपके प्यारी से गर्दन में अपने हाथों से पहनाएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली डैम अब्रॉड से बहुत सारे लोग और एसोसिएट्स आ गए जो बॉस के साथ बैठ कर बिजनेस डील कर रहे हैं, और बॉस ने इतना फील किया है वो सिर्फ और सिर्फ मैं ही जानता हूँ। वन मोर मिनट। डियर शीला, संगीत और हम एक हैं। संगीत के साथ सुर और वैसे ही हमारा साथ जन्म। ये उसने लिखा है क्या? नहीं, मैंने लिखा है। What? मेरा मतलब वो कहते गए और मैं लिखता गया। जब से बॉस ने आपसे शादी की है तब से वो पूरा कवि बन गए हैं। ज्यादातर महिलाएं
अगर सुंदर है तो दिमाग नहीं होता और दिमाग होता है तो सुंदर नहीं होता, अगर दोनों होता है तो बैंक बैलेंस नहीं होता है, और आपके अंदर वो तीनों क्वालिटीज कूट कूट के भरी है। थैंक यू। ये बॉस कहना चाहते थे, ये पकड़िए। बाप रे गला सूख गया, इधर सुनो। थैंक यू। क्यों देखा मेरा दामाद मेरी बेटी को कितना प्यार करता है? क्या ये प्यार है? वेडिंग डे में सामने ना आए, गिफ्ट किसी और के हाथ से भेजे, ये प्यार है? आप अपनी दामाद को बहुत छूट दे दिए हैं मामा जी। जिसके पास कुछ भी नहीं था उससे अपनी बेटी की शादी कराई और पल्ला झाड़ लिया आपने। क्योंकि मेरा दामाद दिमाग वाला है और टैलेंटेड भी है। आप अपनी बेटी से दोबारा मेरे साथ शादी करा के देखिए मैं कितना बड़ा दिमाग वाला हूँ। मुझ पर थूक रहे हैं, मैंने कोई गलत नहीं किया। नमस्ते बिग बॉस, कैसे हैं आप? ठीक है ना? सुनो मेरा दामाद कहाँ है? ये फालतू रिश्तेदार कुछ भी बोले जा रहे हैं। कौन रिश्तेदार? कहाँ रिश्तेदार? ये है। आप हो, ध्यान से सुनिए, करोड़ों का बिजनेस कैसे करना है इसके लिए मीटिंग। ये कंपनी दुनिया का नंबर वन कैसे बनेगा इसके लिए मीटिंग। माँ, तीन डोसा जल्दी दो। मुफ्त में फिल्म देखकर 14 डोसा खा गई। जरा रुको, एमडी को देती हूँ। एमडी बनेगा? पापा, बॉस मुझे एमडी बनाने वाले हैं। सुन गुरु, तेरे बॉस को एक दिन घर पे खाने पर बुला, अच्छा खाना खिलाएंगे। मर जाएगा वो, मर जाएगा। क्या? ये तो मेरा स्टील बॉडी है, जो भी खिलाती हूँ मैं खा के हजम कर लेता हूँ, इसलिए तो अभी तक मैं खड़ा हूँ। अरे ये रिस्क नहीं ले सकता, एमडी बनने से पहले मुझे मार देंगे। माँ, बॉस बिल्कुल घर पे नहीं आ सकते। ठीक है, तू खाना वहीं। अरे ये ठीक नहीं होगा माँ, तुझे एमडी बनने के लिए तेरे बॉस की चमचागिरी करनी पड़ेगी। तो उसके पास अपने बेटे को चमचा बनने के लिए भेज रही है क्या? हा? अरे आप चुपचाप रहिए, जब दो बड़े लोग बात करते तो बीच में छोटों को नहीं बोलना चाहिए। माँ तुम बोलो ना। तेरा बॉस जो कहेगा करना पड़ेगा, तू उसके जूते भी पॉलिश कर दे तो कोई हर्ज नहीं। अगर तू उसके दिल में अपनी जगह बना लेता है तो समझ ले तू एमडी बन गया। क्या हुआ? मेरे सिर से सिर टकरा कर अभी तुम कहाँ जा रही हो? टकरा गया तो मैं क्या करूँ? तो दोबारा टकराना पड़ेगा। ऐसा क्यों? नहीं तो सर पे सिंग निकल जाएगा। ये किसने कहा? संतोष मुत्तु स्वामी। What? नहीं, संतोष सुब्रमण्यम। ठीक है तुम करो। मैं तुमसे नहीं टकराऊंगा, समझ गई? मैं यहाँ पे खड़ा रहूंगा, अगर मैं तुमसे टकराया तो तुम सहन नहीं कर पाओगी। ऐसा है क्या? हाँ। ठीक है। ये क्या WWF की तरह हिल रही है? अरे ये तो बैल की तरह जमीन को खुरच रही है, ये करना क्या चाहती है? मुझे क्या करना है, मैं तो बस खड़ा रहता हूँ। अब बताओ, अब तो सिंह नहीं निकलेगी ना? तुझे तो सिंह नहीं बनेगा, लेकिन मेरा सिंह तो बन गया। सॉरी थी, आपको बहुत जोर से घाव लग गई। नहीं, देसी घी पीकर आई लड़की से मार खाई। नॉटी। घाव तो मेरा कम हो गया। मैं तो अभी डाइट पे हूँ। मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात कर रहा हूँ। पूरा भेजा हिल गया था। मेरे घाव को प्यार से मिटाने वाली प्यारी, तुम्हारा नाम क्या है? सुगुना। सुगुना? वो सुगुना चिकन कंपनी वो तुम्हारा है क्या? नहीं जी, उस कंपनी से मेरा कोई लेना देना क्या नहीं। क्या बात है, तो तुम मेरी कंपनी बन जाओ। आहा, नाम बताया, फोन नंबर बताने से पहले ही वो यहाँ से भाग गई। 9444037777। आहा, डोर नंबर पूछा तो सेल नंबर देकर चली गई। मॉडर्न वर्ल्ड, मॉडर्न फिगर्स। अरे हाँ, सर क्या प्रॉब्लम है?
पैसे कम पड़ रहे हैं, लड़का एग्जाम में फेल हो गया, घर बदलना है, परसों आ रही हूँ बोल के गई मेरी पत्नी, वापस नहीं आई। आपका प्रॉब्लम नहीं पूछा, इस लड़की का प्रॉब्लम क्या है? इसकी गलती है, बिना लाइसेंस के गाड़ी चला रही है। आपने कारण पूछा था क्या? नहीं। दादी मर गई है। तो यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ काम करो। अरे मेरी दादी नहीं, इसकी दादी मर गई है। दादी? 3 दिन से लाश को रखा है, अब तो बदबू आने लगी है, इसलिए जल्दी में लाइसेंस लाना भूल गई है सर। तुम इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हो, इसके क्या लगते हो? मैं पति हूँ। व्हाट? पति? पति पति। थैंक्स। यू वेलकम। तुमने अपनी गाड़ी छाई में तो लगाई है ना? आपके गाड़ी का क्या हुआ? एक्चुअली वो मेरे बॉस की गाड़ी है। ओह, मेरी वाली ज्वेलरी शॉप ओनर की थी। इसका मतलब हम दोनों एक जैसे ही हैं। मैं एसएस कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूँ। ओके, मैं श्री ज्वेलर्स में काम करती हूँ। ओह, मैं टी नगर में रहता हूँ। मैं गंगा लेडीज हॉस्टल में रहती हूँ। ये मेरी गाड़ी है। ओह हाय, ये मेरी गाड़ी है, यामाहा ग्लैडिएटर। ग्लैड टू मीट यू गुरु। सेम हियर सीमा। नाइस। बाय बाय बाय। Now, ladies and gentlemen, is this your most ravishing? गुरु, संभल जाओ। इसी लड़की को पसंद किया, उस लड़की को बॉस चाहते हैं। तुम्हारी जिंदगी का लक्ष्य क्या है? बड़ा कंपनी का बॉस बनना, बड़ा आदमी बनना, अच्छी जिंदगी जीना। मेरे अंदर बहुत सारे लोग काम करने चाहिए। तुम्हारा सपना पूरा करने वाला कौन है? बॉस। तो कंफ्यूजन क्या है, उसे कंपनी की मॉडल बना दो, बाकी सब बॉस संभाल लेंगे। बात सुनो गुरु, जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा लक्ष्य पूरा होना चाहिए। जिंदगी में किसी के दो लक्ष्य नहीं होने चाहिए। क्यों, दो लक्ष्य लेके जीने में क्या प्रॉब्लम है? अगर एक आदमी की बॉडी काट कर एक हिस्सा बस में रखें और अगर दूसरा हिस्सा ट्रेन में रखें, तो क्या वो एक ही टाइम में दोनों में ट्रेवल कर सकता है? ए, तो मुझे कंफ्यूज मत करो, सीमा के मन में क्या चल रहा है ये जानने के बाद ही फैसला लूंगा। अरे अरे अरे, रुको 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 रुको, कहाँ जा रहे हो? सीमा से मिलना है। सीमा से तुम्हारा क्या रिश्ता है? मैं सीमा का दादा हूँ। इसलिए जेंटलमैन बन के आए हो? अच्छा, क्या काम है मुझे बताओ। सीमा से मुझे मिलना है। वॉचमैन, उन्हें आने दो। हाय हाय, यहाँ कैसे? तुमने मुझे पहचान लिया? हाँ, मैं पहचानती हूँ। बाबा, ये स्माइल तुम पे बहुत अच्छी लगती है। तुम उस दिन शो पे बहुत सुंदर लगी थी, कमाल की। थैंक्स। आप किस तरह की, कैसे मॉडलिंग करती हैं? जस्ट अ ड्रीम। दैट्स गुड। मैं तुम्हें अपने दोस्त से मिलाना चाहता हूँ। से हाय। हाय। ये तुमसे कुछ पूछना चाहता है। करो। अगर तुम गुस्सा ना करो तो ये तुमसे कुछ पूछना चाहता है। ओके, पूछो। क्या आज रात हम सब डिनर पे चलें प्लीज? सो ओके, चलेंगे। सो तुम्हारा सपना अमीर आदमी बनना है, बहुत बड़ा आदमी बनना है ना? हर सड़क पे चलने वालों का सपना बड़ा होता है। वैसे मेरा भी है। मेरा भी सपना है। रियली? क्या है? वहाँ एक बंगला दिख रहा है, वैसा ही एक बंगला मुझे खरीदना है। कोई बात नहीं है, 10 करोड़ रुपया है तो खरीद लेते हैं। खरीदना है, सब खरीदना है। अलग अलग डिजाइन की गाड़ियाँ, फैशन करने के लिए ढेर सारा पैसा चाहिए। ठीक है, सपोज आर्गुमेंट समझ लो या कुछ ऐसे ही समझ लो, तुम जो सोचती हो नहीं हुआ तो? बहुत सिंपल है, जिसके पास ये सब होगा उसी से शादी कर लूंगी। राइट, ओके, वेस्ट। ठीक है, ये आर्गुमेंट समझो या कुछ ऐसे ही समझो।
वैसे अगर कोई पैसा वाला लड़का मिलने से पहले कोई साधारण मिडिल क्लास महीने में सैलरी उठाने वाला किसी हैंडसम सुंदर से लड़के से अगर तुम्हें प्यार हो जाए तो तुम क्या करोगी? प्यार नहीं होगा। पैसे अगर कम कमाएंगे तो दोनों की जिंदगी नर्क हो जाएगी, सक्सेसफुल नहीं रहेगी। यू नो व्हाट आई एम सेइंग राइट? हे गुरु, क्या हुआ? इस तरह से फ्राइंग बात करने वाली लड़की मुझे पसंद है। एक मिडिल क्लास लाइफ ऑलरेडी मैं जी चुकी हूँ। अभी मैं एक हाई क्लास लाइफ जीना चाहती हूँ। मेरी चाहत बड़ी है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो मेरी चाहत पूरी होगी क्या? अभी टाइम क्या हुआ? टाइम 8 o'clock। आज कौन सा दिन है? मंडे। आज पूर्णिमा है क्या? हाँ। सो इस गली में मंडे पूर्णिमा की रात में 8 बजे जो भी सोचेगा वो बात पूरी होगी। किसने कहा? किसी बड़े आदमी ने। किसने? गुरु। कुछ भी बोलते हो। इनफैक्ट तुम्हारे किस्मत का दरवाजा। हाँ? कैसे? मेरी कंपनी एड फिल्म कर रही है, उसमें तुम्हें मॉडल लेना चाहती है। वाओ। मैं अपने बॉस से बात करके तुम्हें कंफर्म करता हूँ। गुरु। यू वेलकम। व्हाट? स्टॉप इट। ट्राई करने में क्या है? चलो। सभी अपनी पीठ सीधी रखो, गर्दन भी बिल्कुल सीधी रखो, क्योंकि ये एक खास एक्सरसाइज है। अपने लेफ्ट साइड से खींच के राइट साइड में छोड़ो। ये क्या था भाई? आपने ही कहा था ना मास्टर कि लेफ्ट से खींच के राइट को छोड़ दो। लड़की को लेफ्ट साइड से खींच के राइट में छोड़ने को नहीं कहा, सांस को लेफ्ट से अंदर लेकर राइट से छोड़ने के लिए कहा। तो अच्छी तरह समझाना चाहिए ना। तुम बहुत परेशान करते हो यार मास्टर। सुगना, आप क्या? कैसे? मेरे भाई ने कहा था। आपका बॉस मेरा स्टूडेंट है क्या? नहीं, आपका बॉस गोपाल मेरा भाई है। बॉस गोपाल? ओ, बिना शादी के जिंदगी काट रहे हैं, वही तुम्हारे भाई है क्या? ओ माय गॉड, वैसी फैमिली में तुम्हारी जैसी भी एक लड़की है क्या? बाय द वे, आप कौन हो? सौभाग्य। वेट ग्रेडर? नहीं। हाँ? ये इनका नाम है, शी इज माय आंटी। आंटी? हाँ। जी, मैं आपसे योगा सीखना चाहती हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? जल्दी कपड़े उतारो। अरे, हमारा खुद का योगा ड्रेस है, वही पहनकर मैं आपको यहाँ पर आने के लिए बोल रहा हूँ। पता नहीं क्यों मुझे आप देखते ही पसंद आ गए थे। Same to you. उस दिन तुमने जो फोन नंबर दिया था मैंने उस पर ट्राई किया था, दो बार तुमने फोन उठाया फिर कुत्ते की तरह भौंककर तुमने रख दिया। नहीं नहीं नहीं, वो मैंने नहीं भौंका। हाँ। वो तो मेरे फोन पर सेट की हुई कॉलर ट्यून है। ट्यून है? इस तरह की भी कोई ट्यून होती है क्या? इस तरह तो भैंस के संदास करने के साउंड का भी एक दिन ट्यून बन जाएगा। मास्टर किधर है? मैं यहाँ हूँ। यूनिफॉर्म सुपर है। अब हम सब एक साथ ब्रीथ एक्सरसाइज शुरू करेंगे। आप सब ध्यान से सुनिए, मैं जब सांस अंदर लेने के लिए कहूँगा तब अंदर लेना, जब बाहर छोड़ने के लिए कहूँगा तो बाहर छोड़ना। धीरे धीरे सब सांस अंदर लीजिए, अब धीरे से बाहर छोड़िए, अब जल्दी से सांस अंदर लीजिए, मास्टर आपका कुत्ता मुझे खींच रहा है मास्टर। नहीं छोड़ना, बिल्कुल नहीं छोड़ना, मुझे खींच के ले जा रहा है मास्टर। खींचो, जोर से खींचो। खींचा क्या? यस मास्टर, रस्सी मेरे पास है मास्टर। तकलीफ तो होगी ही, अभी जल्दी खींचो, नहीं छोड़ना। बहुत तकलीफ हो रहा है मास्टर। मत छोड़ना। कुत्ता गया मास्टर। कैसे वो चला गया? अरे अरे मास्टर, आंटी गई। हा? आंटी गई। देखो आंटी क्या हो गई? नहीं, ये अभी तक नहीं मरी है। मोटी आंटी मर गई। भागो भागो। सांस रुक गई, सब आपकी वजह से हुआ। ये मर्डर केस है। मर्डर केस हो गया? आइए जो। अरे अब तो कुछ कीजिए। अरे इसे लेकर मैं क्या करूं? शॉक ट्रीटमेंट। शॉक ट्रीटमेंट, आइडिया। आज अक्षय त्योहार है, श्री ज्वेलर्स दरवाजे पे बस 10 सेकंड में पहुंचने वाली महिला को पूरा 5 तोला सोने का सिक्का मुफ्त में दिया जाएगा। मुफ्त मुफ्त मुफ्त। 5 तोला? ये तुम्हें तो 4 तोला ही मिलेगा। सर गुड मॉर्निंग। सर गुड मॉर्निंग। सर वो लड़की ड्रेस पहनने से मना क्यों? बिना ड्रेस के एक्टिंग करेगी? सर वो स्विमिंग ड्रेस नहीं पहनेगी सर। मैं समझाता हूँ। सीमा ये ड्रेस पहन लो। बाकी का ड्रेस कहाँ है? बस ये ड्रेस है।
रेडीमेड ड्रेस का ऐड कहा था। ये भी रेडीमेड ड्रेस है, किंगनी पिंगनी ड्रेस है, जापान से इंपोर्ट किया गया है। सॉरी सर, मैं ये नहीं पहनूंगी। आप मेरे बारे में क्या समझते हैं? फेस अच्छा है, बॉडी भी अच्छी है, तुम पहनी बहुत सुंदर लगोगी। सॉरी सर, मैं ये नहीं पहनूंगी। तो इसे मैं पहनूं क्या? वो देखो वो लोग पहने हुए हैं। कौन लोग? वो लोग। तुम अगर ये ड्रेस नहीं पहनी तो तुम्हें इस एड से निकाल दूंगा। स्टॉप इट। कौन है बे? सीमा को जो भी ड्रेस पसंद है वो उसे दो। चेहरा दिखा के बात करो। सर सॉरी सर, माफ करिएगा, मुझे लगा कोई और है। हम एड फिल्म बना रहे हैं, ग्लो फिल्म नहीं। सीमा ही मेरी मॉडल हाँ। है, सीमा के हिसाब से प्रोडक्ट सिलेक्ट करके ही शूट करो। करेंगे सर। पैकअप। पैकअप तो मैं कहूंगा, डायरेक्टर मैं हूँ। प्रोड्यूसर भी कह सकता है। ओ, प्रोड्यूसर फिर पैकअप okay? कह सकते हैं सर। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सीमा, लड़कियों को गंदी नजरों से देखने वालों से मैं नफरत करता हूँ। रास्कल्स, दे डोंट नो हाउ टू ट्रीट अ लेडी। आई एम सो सॉरी सर, मेरी वजह से आपकी शूटिंग कैंसिल हो गई। नो सर, कृष्णा। सीमा, एक काम करते हैं, हम लोग कल मिलके इस एड के बारे में डिस्कस कर लेंगे। सर, पर कल मेरा कुछ पर्सनल काम है। व्हाट? जस्ट जोकिंग। आपके पर्सनल काम खत्म हो जाने के बाद हम लोग बैठ के बात कर लेंगे। थैंक यू। सीमा, तुम हंसते हुए बहुत सुंदर लगती हो। तुम्हें देखते ही रहूं ऐसा मन कर रहा है। ओके बाय सर। सॉरी कृष्णा। बाय। ओ सुपर बॉस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉस, आपने कमाल की एक्टिंग की। जैसा तुमने कहा वैसा सर, जैसा मैंने सोचा उससे ज्यादा अच्छा एक्टिंग किया आपने, कमाल कर दिया, सुपर एक्स्ट्राऑर्डिनरी, फैंटास्टिक बॉस। थैंक यू। हम लोग कल फिर से मिलने वाले हैं। हाँ। बोल रहे थे कुछ पर्सनल वर्क है। हाँ। उसका कोई लवर अवर तो नहीं है ना? हाँ बॉस, है बॉस। व्हाट? मैं हूँ बॉस। हाँ? मैं हूँ बॉस। गुरु बॉस, कल सीमा का बर्थडे है बॉस। ओ ऐसा है क्या? तुम्हें कैसे पता? मैं तो फुल बायोडाटा याद कर लिया बॉस। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो फिर क्या करें? प्लान नंबर टू, कल सीमा का बर्थडे एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने के लिए थोड़ा सा उसकी जरूरत है, इसी की जरूरत है। आप तो शार्प है बॉस। थैंक यू बॉस। हमारा जवाब नहीं है। हैप्पी बर्थडे। वो खोलो बेटा। दूसरे बर्थडे के अंदर तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए। तुम भी ना मां। सीमा, तुम्हें कोई मिलने आया है। कौन? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सीमा, हैप्पी बर्थडे टू यू। डैम मेनी मोर हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू गुरु। वन मिनट प्लीज। हे किड्स, आ जाओ। लड़की पटाने के लिए कितना बिल्डअप कर रहे हैं। ये सब क्या है? ये सब मेरे बॉस कृष्णा की प्रेजेंटेशन है। उसे मेरे बर्थडे का कैसे पता चला? सुनो, मेरे बॉस अगर किसी को पसंद करते हैं तो उसका पूरा ख्याल रखते हैं, उसका पूरा डाटाबेस रखते हैं। दैट्स नॉट इनफ। दे दो बेबी। तुम कितनी अच्छी हो। थैंक यू डार्लिंग। वाओ। परियां पैदा भी होती है ये मैंने जान लिया, क्योंकि आज तुम्हारा बर्थडे है। ये उसने लिखा है क्या? नहीं, मैंने लिखा था। अरे उसने कहा, मैंने लिखा था, ये भी कोई सवाल है क्या? ये तो था मेरे बॉस की तरफ से। सीमा, कृष्णा और मेरी तरफ से। कृष्णा, हेलो। सीमा, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू। कहता है तुमको मुबारक हो ये सुबह, कहती है तुमको आकाश, कहता है तुमको मुबारक हो ये सुबह, कहती है तुमको आज के दिन जब पाए तुम दुनिया में, हंसने लगी हर तू आज के दिन जब आए तुम दुनिया में, हंसने लगी भर तू। आकाश कहता है तुमको मुबारक हो ये सुबह, कहती है तुमको।
आज का दिन तो ये कितना रंगीला है, पर्वत क्या पंछी सब कुछ सुनहरा है, आकाश में इंद्रधनुष कितना गहरा है, तेरी आंखों में तो बस अब सब कुछ ठहरा है, ये हंसी ये अदा दिल तो तेरी राहों में बिछा है, यूं तुम ही हो मेरी सांसों में आंखों में यूं। रहो दुनिया में अब तो बस तुम ही खास रहो, दिल मेरा कहता है तुम चांद से प्यारे हो, इन आँखों में अब तो बस तुम ही सितारे हो, ये काया ये हया तेरी खुशबू तेरी ये जो बातें हैं, रहेंगे रहेंगे मेरी सांसों में धड़कन में। आकाश कहता है तुमको मुबारक हो, ये सुबह कहती है तुमको, आकाश कहता है तुमको मुबारक हो, ये सुबह कहती है तुमको। थैंक यू। Left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right. मास्टर, आप इस तरह से स्टूडेंट को सड़क पर क्यों लेकर आ गए हो? कारण है, आज हम आपको सिखाएंगे हंसी आसन। अगर खुल के हंसे तो सारी बीमारी खत्म हो जाएगी, ये बड़े लोग कह के गए हैं। यहाँ सिर्फ हम ना हंसे, अगर सड़क पे आने जाने वाले लोग भी हंसे अच्छा तो वो भी बिना बीमारी के रह सकते हैं, इसलिए आप सबको हम सड़क पे लाए। मास्टर, आप तो हंसी के डॉक्टर हैं। कमाल के डॉक्टर हैं। नहीं, कमाल के डॉक्टर हैं, सुपर डॉक्टर। अयो, रुक जा मेरी माँ, रुक जा। अपनी जान हथेली पे रखकर एक्शन करते हैं जैकी चैन। वो अपने नाम के आगे कोई भी नाम नहीं जोड़ते, तो मुझे नाम की क्या जरूरत है। हंसो, सभी हंसो, दिल से हंसो, हंसते रहो, जो भी सामने दिखे उस पे भी हंसो। अभी मैं बताता हूँ कैसे हंसना है, आप सभी लोग मेरे साथ हंसना। ही हा हा, ही हा हा, ही हा हा, भाई, आपकी बेटी भाग गई, ये बात हमारी दुश्मन सीमा को पता चल गई। क्या बोला तू? वो अपने लोगों को इकट्ठा करके आपकी इज्जत में हंस रही है भाई। जी, आपका भाई तो बहुत खतरनाक आदमी है। जायदाद की समस्या में आप तो कोर्ट से हार गए, लेकिन वो अपने लोगों को इकट्ठा करके दुकान के सामने खड़े होकर के आपके ऊपर हंसते जा रहा है। तुम टीवी सीरियल देख के रोती हो? तुम्हारे टीवी सीरियल के चक्कर में तुम्हारे भाई ने टीवी ही बेच दिया, फिर अभी क्यों रो रही हो? बगल के घर में जाके देख के आई हो क्या? अरे नहीं भाई, हाँ। मैं और मेरी फ्रेंड गीता एक ही लड़के से प्यार करेंगे। अच्छा? ये बात हम उस लड़के से कहे थे। अच्छा? लेकिन वो लड़का गीता से प्यार करता है कह दिए। फिर तो हद कर दी गीता ने, बोली सबको पता कर तुम्हारी मजाक उड़ाऊंगी। ऐसा क्या, मैं अभी जाता हूँ और उन सबकी बैंड बजाता हूँ। Oh
भाई आप अभी बात करेंगे या मैं मार डालूं इसको? रुको मैं बात करता हूं। ए, एक फोटोग्राफर ने मेरी बहन को स्माइल प्लीज कहा था, इसलिए मैंने उसे मार दिया था। और तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि यहाँ इकट्ठा होकर मेरी बहन की मजाक उड़ा रहे हो? हाँ तो देख बहन, मैं तेरे लिए अभी क्या करता हूँ। ये तो खा के बहुत मोटी हुई है, चल आ रे। कृष्णा आप बहुत सारे नई कंपनियों से टाई अप करने जा रहे हो। यस अंकल। आपका दामाद नई कंपनियों को बहुत पसंद करते हैं। थैंक यू। फोन बज रहा है। जानता हूं। किसने फोन किया होगा? पर्सनल है। लगता है उसके बॉयफ्रेंड ने किया है। अरे सॉरी। हेलो, दिस इज फॉर यू। गुरु, कृष्णा आने वाले थे ना? बॉस एक खास मीटिंग में है। गर गर ब्र, गुस्सा आ रहा क्या? मुझे तो मालूम था गुस्सा तो आएगा ही। गुस्सा है तो सही है, तुम जब तक गुस्सा खत्म करो तब तक मैं अपना अकाउंट लिख लेता हूँ। नाश्ता पे खर्च हुआ था 150 रुपया, सीमा के लिए फूल खरीदा 300 रुपया। ये कागज के फूल के लिए 300 रुपए? जी हाँ। तुम अपने बॉस का पैसा लूट रहे हो। अरे 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 कैसी बात कर रही हो, हर चीज का एक रेट कार्ड है। ये देखो रेट कार्ड में सब लिखा है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो कंप्लेन बॉक्स में कंप्लेन लिखो। थैंक गॉड। गुरु हा? मैं कृष्णा से जो पूछना चाहती थी वो तुमसे पूछूं? तुम मुझे चाहती हो ना? हा? कुछ भी पूछो ठीक है, मैं कृष्णा और तुम गोपिका हो, पूछो गोपिका। ओके। तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? मैं कुछ भी नहीं सोचता। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मैं कृष्णा हूँ ना। तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर हो, आई थिंक यू गॉट अ फैंटास्टिक फिगर। तुम एक परी की तरह हो जो जमीन पर आ गई है। मुझे पसंद करते हो? ये क्या पूछ रही हो? अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं करता तो एक जिंदा लाश होता। तो मुझे क्या समझते हो? तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो? I love you. I love you too. I really love you. Hey, ये गुरु या कृष्णा है? नहीं, मैं कह रहा हूँ I love you. अरे तुम अगर नजर से नजर मिला के कहोगे तो सामने वाला क्या करेगा? I love you, आओ, 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 आओ। गुरु, हाँ? ये सब कृष्णा से पूछना हाँ? ओके होगा ना? सुपर ओके है जी, लेकिन आज यहाँ कृष्णा नहीं आने वाला है। What? I'm sorry, तुम नाराज मत होना, लंबी सांस लो, आज उसका दिन भर मीटिंग है। अगर वो शाम तक नहीं आया तो शाम को चाहे तो फोन पे बात कर लेना। ओके सॉरी सीमा, मैं आने की बहुत ट्राई की पर मैं आ नहीं पाया। इट्स ओके। गुरु अगर नहीं आया होता तो बोर हो जाती मैं, लेकिन तुम आते तो अच्छा लगता। ठीक है, एनी टाइम, कभी भी मिल सकते हैं। कल मिले? ठीक है, कल ही मीट करते हैं। ये क्या बिजनेस डील की तरह बात कर रहे हो? ऐसा क्या? हाँ। और कैसा? कैसा है ये नहीं जानते? क्यों नहीं जानता? ए, लव यू डार्लिंग। बाय बाय। हमेशा कभी भी बिजनेस बिजनेस, घर आते ही फोन बंद कर देना चाहिए। यस डार्लिंग, मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ ना? कैसी लगती हूँ बताओ, बोलो। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे अलावा मुझे कोई और अच्छा लगता ही नहीं। अरवल भाई। सर उल्टा दिया सर। तुम्हें बैठने के लिए कहा। ओ तो ऐसे मुंह खोल करके बोलो ना बैठने के लिए। कल रात बेड में पेशाब कर दिया क्या? छी हाँ। कल रात बेड में सो नहीं पाया यार, ये कह रहा था। क्यों? कल कलर ड्रेस में उसने मेरी नींद चुरा ली। हाँ। लेकिन मैं उसकी शक्ल नहीं देख पाया। ऐसा क्या? उसे मैं कैसे ढूंढूं ये समझ में नहीं आ रहा है। ये एक बीमारी है सर, बचपन में मुझे भी हुई थी। इसका नाम है फिगोर लोको लोको। इसके लिए मेरी दादी एक दवाई देती थी, उससे मैं ठीक हो गया। क्या दवाई है? वो कड़वी दवाई है सर। दवाई तो कड़वी लगेगी ही, तुम दवाई का नाम बताओ। मैं खुल के नहीं बता सकता, पास आओ मैं सामने बताता हूँ। गोपाल सर क्या हुआ? मैं एक दवाई का नाम सुनकर शॉक हुआ। कौन सा दवाई है वो? वकील सर क्या बात है? एक दवाई का नाम सुनकर शॉक हो गया। क्या दवाई है?
Hey, सीमा, what's up? Hi, break. Okay, तो चलो साथ में लंच करते हैं. हाँ चलो. Let's go. Boss. Hey, कहाँ जा रहे हो? अभी लंच ब्रेक हुआ है, बॉस. Oh, wonderful. तो क्यों ना आज हम दोनों साथ में लंच करें? Sure. गुरु. आप लोग चलो, मैं पीछे से आता हूँ. Okay, जल्दी मिलते हैं. Okay, bye. Boss. फ्रेंड के लिए गिफ्ट लेना है. तुम वहाँ गाड़ी रोकोगे क्या? Just 10 minutes. Just 10 minutes, okay? No problems. मैं तुम्हारे लिए इतना कर सकता हूँ. हेलो लॉयर. हाँ बोलिए सर. आज 3 बजे कोई मीटिंग रखे हो क्या? जी सर. उसे कैंसिल कर दो. क्यों सर? क्यों किस लिए सब मत पूछो यार. मैं कारण जान सकता हूँ सर? बिकॉज मैं सीमा के साथ बाहर जा रहा हूँ. ओके ओके सर. वापस तुम ये मीटिंग के बाद मत करो. मुझे थोड़ा एंजॉय करने दो यार. बाद में सब आके देख लेंगे. हाय. शीला, शीला आगे बाद में बात करते हैं. फोन पे कौन है? लॉयर. लॉयर, तुम यहाँ पर कैसे आई? मैं अपनी फ्रेंड के साथ शॉपिंग करने. ओह वंडरफुल वंडरफुल. मैं भी शॉपिंग करने आया था. शॉपिंग? या किसके साथ? किसके साथ बोलो. गुरु. गुरु के साथ. ओ, हाँ, गुरु साथ आया है क्या? ओके बाय. सी यू इन द नाइट. कम 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 कम. आओ बैठो ना, एसी ऑन है ना अंदर. कृष्णा चले क्या? अच्छा गिफ्ट मिल गया, अब चलो. सीमा इनसे मिलो. शीला. हेलो. शीला मेरी वाइफ. डार्लिंग ये है सीमा. आपने तो कहा गुरु के साथ आए हो. हाँ गुरु के साथ ही तो आया हूँ. ये एक्चुअली गुरु की वाइफ है. गुरु की वाइफ? हाँ. वाइफ? गुरु और सीमा लवर्स है, शादी होने वाला है, मंगनी इनकी हो गई है. गुरु ने तो कभी नहीं बताया. डायरेक्ट शादी में ही बुलाएगा. गुरु कहाँ है? सामने घड़ी का दुकान में गया है. अच्छा ऐसे. हाँ हाँ बैठो बैठो अंदर बैठो. बाय. ओके डार्लिंग. बाय सीमा. सीमा. सीमा सुनो. सीमा डोंट टच मी. छी बॉस, ये क्या है बॉस? आपने ऐसा क्यों कहा कि सीमा और मेरी शादी होने वाली है? और कोई रास्ता ही नहीं था. अरे यार आप किसी और का नाम ले सकते थे, अपने प्रॉब्लम में मुझे क्यों फंसा दिया? अचानक शीला सामने आ गई, फिर मैं क्या करूं मुझे समझ नहीं आया. मेरी पत्नी को मुझ पर डाउट ना हो इसलिए मैंने तुम्हारा नाम ले लिया. मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं कहा. सीमा को तुम्हें ही समझाना पड़ेगा. बस तुम एक बार इंतजाम कर दो सीमा से मिलने का, बाकी सब मैं देख लूंगा. बस 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 बस. आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ. लेकिन ये सीमा की प्रॉब्लम से मुझे दूर रखिए बॉस. प्रॉब्लम होगा बॉस. प्रॉब्लम है. तुम मेरा काम नहीं करोगे. नहीं करोगे बॉस. तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. क्या करूं बॉस? मेरी वाइफ को सब बता देते हैं. क्या होगा? डिवोर्स हो जाएगा, मुझे घर से निकाल देगी और फिर माँ भाई का नाम लेकर सड़क में भीख मांगना पड़ेगा. नहीं बॉस, ऐसा कुछ नहीं होगा बॉस. कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बॉस. प्रॉब्लम नहीं होगी बॉस. प्रॉब्लम नहीं होगी. अरे खत्म हो गया. ये क्या कर रहे हैं बॉस? खत्म हो गया बॉस. बिजनेस खत्म हो गया बॉस. बॉस बॉस बिजनेस खत्म हो गया. जाना यार. लाइफ खत्म हो गया बॉस. कोई प्रॉब्लम? सब कुछ खत्म हो गया. ये क्या कर रहे हैं आप? नहीं मैं कहीं चला जाता हूँ बॉस. अब क्या होने वाला है बॉस? नहीं बॉस. अरे नहीं बॉस. अरे बॉस सब खत्म हो गया. अरे सब पैसा चला जाएगा. मैं सड़क पे आ जाऊंगा. नहीं बॉस. सर क्या कर रहे हैं बॉस? अरे तू इधर आना यार. आने का ना. मैं सब कुछ तोड़ दूंगा. नहीं बॉस. सब कुछ तोड़ दूंगा. अरे बाप रे. नहीं बॉस. सब तोड़ दूंगा मैं बॉस. अरे नहीं बॉस. ऐसा मत कीजिए बॉस. ये तेरा सपना है ना? अरे ये तेरा सपना गुरु. नहीं बॉस. नहीं तू हट यहां से. हां यहां से बाहर. नहीं नहीं जा. नहीं तू मेरी बात. नहीं बॉस. नहीं बॉस. बॉस होके तेरी बात क्यों? नहीं बॉस. नहीं बॉस. सपना है ना? नहीं बॉस. मैं सपना तोड़ूंगा. प्लीज बॉस. नहीं बॉस. बस आप ऐसा नहीं कर सकते बॉस. बस मेरे सपनों को आप नहीं तोड़ सकते बॉस. बस बस आप टेंशन मत लीजिए. मैं सब ठीक करता हूँ बॉस. बॉस मैं करता हूँ ना बॉस. आप टेंशन मत लीजिए बॉस. आप आराम से बैठिए. मैं करता हूँ ना बॉस. मैं सब ठीक करता हूँ. सीमा से मैं बात करूंगा ना बॉस. अपना दिमाग शांत कीजिए और ये पानी पीजिए बॉस.
मैं सब करूंगा बॉस, बड़ा वादा कीजिए मेरे सपनों को। ले जा अपने पास तक। पैसों की कोई जरूरत नहीं है बॉस, मैं जाके सीमा से मिलके आ रहा हूँ, मैं जाके उससे लेकर आऊंगा बॉस मेरा सपना। मेरा सपना मत तोड़िए बॉस। गुरु कल सीमा से मेरी वाइफ मिलने जा रही है, तो बुला लेना। थैंक यू। यस बॉस। सर क्या बात है, कमाल है, आपने तो बहुत अच्छा नाटक किया सर। मैं जो कह रहा हूँ ध्यान से सुनिए। क्या है? सच को धीरे से कहो तो कोई नहीं मानेगा, झूठ को चिल्ला के कहो तो सब मान जाते हैं। मैं ये नई बात आपसे सीख लिया। मैं कृष्णा से मिलने नहीं आऊंगी। तुमने भी मुझे धोखा दिया। तुमने ये करने के लिए कृष्णा से कितने पैसे लिए? ऐसा कुछ नहीं है सीमा, बॉस चाहते हैं, कृष्णा चाहता है। उसका नाम मत लेना। सीमा प्लीज मेरी बात रिलैक्स होकर सुनो। मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती। गुरु तुम यहाँ से निकलो। मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ भी नहीं सुनना। ठीक है मैं चलता हूँ। खून निकल रहा है। मैं संभाल लूंगा, कोई बात नहीं। रुको गुरु। चलेगा, मैं संभाल लूंगा। गुरु रुको। सीमा मैं तुम्हारा गुस्सा समझता हूँ। पर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? सीमा एक बार बॉस से मिल लो प्लीज। प्लीज मैं वहां क्यों जाऊं फिर से झूठ सुनने के लिए? सीमा सच और झूठ मिलकर ही जिंदगी है। सब अपने अपने तरीके से गलती करेंगे, कुछ लोग जाने करेंगे, कुछ लोग अनजाने में करेंगे। अभी देखो मुझे चोट लगने से तुम्हें बुरा लगा, मगर मेरे लिए इंसाफ है। आज हमें अच्छी लगने वाली बातें कल बुरी लगेंगी, बुरी बातें हमें कुछ दिनों के बाद अच्छी लगेंगी। शादी हो गई है, बॉस ने तुम्हें नहीं बताया इसलिए गुस्सा हो। क्या तुमने उनसे पूछा कि उनकी शादी हुई है या नहीं? जरा इस बात को सोचो, ये ख्याल तुम्हें क्यों नहीं आया? सीमा प्लीज सिर्फ एक बार तो कृष्णा से मिलना बनता है। तुम उससे पूछो उसकी शादी हो चुकी है और ये बात उसने तुमसे क्यों छुपाया, फिर तुम खुद फैसला करो। इट्स एंटायरली योर चॉइस। मैं चलता हूं। सीमा मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती थी, मैं गुरु की बात मानकर यहाँ पर आई हूँ। एक बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें धोखा देना नहीं चाहता। तुम्हारी शादी हो गई है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? अगर मैं बताया तो तुम मुझसे प्यार करती थी क्या? इसलिए तुम्हें नहीं कहा था, तुम मुझे बहुत पसंद हो। सीमा पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। तुम मुझे गलत समझ रहे हो। एक लड़की को धोखा देकर तुम्हारे साथ जिंदगी जीना ये पाप होगा। इसमें कोई पाप नहीं है, मेरी वाइफ मुझे धोखा दे रही है। मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती है मेरी शादी, मैं उसे डिवोर्स देने का फैसला किया है। प्लीज कृष्णा झूठ मत बोलो। ओके कम। उधर देखो मेरी वाइफ, अब देखो क्या होने वाला है। हे या, ए डार्लिंग, कम ऑन डार्लिंग, कम ऑन डार्लिंग। सीमा इससे आगे मत देखना। ओह माय गॉड। गले मिलेंगे, किस बिस करेंगे, प्लीज प्लीज। स्वीट हार्ट, लीव मी कृष्णा। हु आर यू? ओह वेरी रियली आई एम सॉरी। तुम सिर्फ 3 राउंड घुमाने के लिए कहा, 1 राउंड घुमाने में मजा आ रहा था, इसलिए 500 रुपए कम कर दिया। चलो निकलो। सीमा ऐसी गलत महिला के साथ जिंदगी बिताऊं या फिर तुम जैसी अच्छी लड़की के साथ शादी करके मैं खुश रहूं, तुम ही बताओ।
ये घर है या फाइव स्टार होटल है? हे गुरु, देखो हमारे घर में नया एसी, नया टीवी, नया फ्रिज है और हमारे पुराने पापा। हे बताओ ना, पार्टी की है ना? क्या बात है गुरु, गुरु मेरी फ्रेंड ने एक नई दुकान खोली है, उसके दुकान से मैंने सारी चीजें इंस्टॉलमेंट में ले ली। घर का सामान खरीदने से पहले उसे घर खरीदने के लिए बोलो। गुरु गुरु मुझे ना करके जाने के लिए सब लाएगा, तू पहले मुंह हाथ धोकर खाना खा ले। तुम ही हो ना जिसे सीमा को समझाने के लिए बॉस ने भेजा था, फिर क्यों भी क्या हो? हाँ बताओ क्यों? तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है बॉस उसे किसी तरह समझा के करेक्ट करके उसे फंसा के धोखा देने वाला है, लेकिन मुझे शर्म नहीं। हाँ मैं शर्मिंदा हो रहा था, बहुत शर्मिंदा हो रहा था, लेकिन तुम्हें शर्म नहीं है? हाँ? तुम्हें नहीं, क्योंकि तुम्हें पैसा चाहिए, बड़ा ऑफिस चाहिए, ओनर बनना है, माँ के लिए एसी, पापा के लिए घर, बहन के लिए बाइक चाहिए, है ना? मुझे शर्म कैसे आ सकती है? थू, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है ना, तो मुझे कैसे आएगी? बेचारी वो सीमा, उसका क्या? तुझे चाहिए सीमा तुझे चाहिए ना? हैं? अब नहीं मिलने वाली तुझे, पैसा चाहिए, घर चाहिए, बड़ी बड़ी गाड़ी चाहिए घूमने के लिए। हैं? 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 मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूं? सब ऊपर वाले ने लिख के भेजा है, सब खत्म हो गया, अब मैं क्या करूं? वो भी जानती है, मैं भी जानता हूं, लेकिन तुम बीच बीच में आके मुझे तंग मत करना, समझे? तुम भी समझ लो। अब जानना चाहते हो कैसे करें? सिंपल, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हुआ तो हंसती हुई शकल लेकर सिर्फ इतना ही कहना है, यस बॉस, यस बॉस। मेरे हिसाब से इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कृष्णा पहले से शादीशुदा है। गलत लड़की से उसकी शादी हो गई, ये बात तुम्हें खुद पता है, तुमने देखा है ना? लेकिन मैं, कृष्णा तुमसे प्यार करता है, उसने कहा भी है उसका डिवोर्स होने तक उसका इंतजार करो, उसके बाद ही तुमसे शादी कर लेगा, कहा है ना? मेरी पूछताछ के हिसाब से गुरु और सीमा की शादी तय नहीं हुई है, ये मैं जरूर कंफर्म कर सकता हूँ। गुरु और सीमा की शादी होने वाली है। मुझसे झूठ मत बोलो। नहीं नहीं, अच्छा शीला, शीला तुम मुझ पर शक कर रही हो? सब कुछ जानते हो अभी? What? गुरु और सीमा तुम्हें पता है एक ही घर में रहते हैं। Really? हाँ? तो हम गुरु और सीमा को एक अच्छा गिफ्ट दे देते हैं। मैं कल ही जाके गिफ्ट दे दूंगा। नहीं, हम दोनों साथ जाकर उनको गिफ्ट देंगे। हम दोनों कल ही चलते हैं। जरूर जरूर जरूर, ठीक है। सीमा जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं होगा, बस एक बार संभाल लो। तुम्हारे वाइफ के लिए हम दोनों हस्बैंड वाइफ का नाटक कैसे करेंगे? आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। सीमा जस्ट वन आवर प्लीज। ये बात नहीं है, इसके लिए कितना झूठ कहना पड़ रहा है। यू डोंट नो, तुम क्या मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती? बस 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 बस, आई गॉट अ गुड वन। मैं और सीमा हनीमून पे गए, ऐसा बोलूं तो? सिर्फ मंगनी हुई थी तुम दोनों की, प्लीज। ओके बॉस। सीमा अगर मेरी वाइफ मुझ पे शक करेगी तो वो डिवोर्स जल्दी नहीं देगी। लेकिन मुझे तो, मुझे ऐसे शांति तो नहीं मिलेगी, मैं सुसाइड कर लेता हूँ। यस बॉस। नो बॉस, जब तक हम रहेंगे तब तक आपको खुदकुशी करने की नौबत नहीं आएगी। आई विल डू एनीथिंग फॉर यू। ठीक है ठीक है। सीमा मैं और मेरी वाइफ डिनर के लिए आएंगे। बॉस डिनर के लिए? बॉस छोटा सा गिफ्ट देंगे। छोटा गिफ्ट है बॉस? सीमा शांत रह तू। सीमा शीला से कहना तुम और गुरु शादी करके बहुत खुश रहोगे, बस इतना ही। ओके बॉस, छोटी सी एक प्रॉब्लम है बॉस। क्या है? सीमा हॉस्टल में रहती है, मेरा घर तो नहीं चलेगा। लोकेशन तो पूछेगा, मैं जानता हूँ। ये क्या है बॉस? मेरी पर्सनल फ्लैट की चाबी, इसके बारे में कोई नहीं जानता, मैं खुद नहीं जानता हूँ बॉस। पर अभी तू जान गया ना, मैं ये सब कर रहा हूँ हम दोनों साथ रहने के लिए।
आई लव यू। बॉस वेलकम, मैम वेलकम, बॉस प्लीज। वाओ व्हाट द ब्यूटीफुल हाउस, ऑल थैंक्स टू द बॉस। हाँ सीमा कहाँ है? अच्छा है ना, मैंने इससे पहले कभी साड़ी नहीं पहनी। बहुत अच्छा है, इस साड़ी में तुम बहुत बहुत सुंदर लग रही हो। चलो ओके। जोड़ी अच्छी है ना? बॉस खाइए, अच्छी तरह से खाइए, सब स्पेशल बना आपके लिए, बिना प्याज लहसुन, बिना ऑनियन। मैडम फिलहाल डाइट पे है ना, इसलिए। ओह या 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 या। सीमा हनीमून जाने के लिए तुमने कहाँ का प्लान किया है? हनीमून बॉस कहाँ जाएंगे बॉस? शादी तुम लोगों ने की है और हनीमून का डिसाइड मैं करूँ? बॉस आपको ही बताना पड़ेगा, आप जैसा कहें हम वैसा ही करेंगे। What? मैं और सीमा बॉस की कंपनी में काम करते हैं, बॉस लीव सेंक्शन करेंगे, अमाउंट सेंक्शन करेंगे, तभी तो हम हनीमून मना पाएंगे। बाय गुरु। ओके मैम, ठीक है मैम। शीला अभी क्यों निकल रही हो? मैं इन दोनों से मिलना चाहती थी, मिल चुकी। ओ अब तो खुश हो ना? कम सुपर एनर्जी सीमा, तुमने तो बहुत ही कमाल की एक्टिंग की, कम्प्लीटली कन्विंस हो गए। मैंने तुमसे इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, तुम में इतना टैलेंट मुझे बिल्कुल नहीं पता था। सीमा हेलो, हे सीमा, हे रो क्यों रही हो? मैंने कुछ गलत कहा क्या? तुमने कोई गलती नहीं की है। फिर तुम रो क्यों रही हो? जो कर रही हूँ वो सही है या गलत है? तुम जो भी करोगे बिल्कुल अच्छा ही होगा, क्योंकि अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है। चिंता करने की कोई बात नहीं, समझी? हाय सेक्सी, रोजी गुरु को भेजो तो। गुरु आज मैं सीमा को डिस्को ले जाना चाहता हूँ, तुम जाके सीमा को लेकर जैन होटल में आ जाना। व्हाट हैपन? यस बॉस, यस बॉस, ओके, कम ऑन, यस बॉस। क्या बात है सर? सर आप सीमा का वेटिंग कर रहे हैं क्या? सीमा से प्यार करते हैं ना सर? वो बहुत अच्छी लड़की है सर, उसे फालतू घुमा के छोड़ना नहीं सर, शादी कर लेना, जिंदगी अच्छे से गुजरेगी सर। मैंने जो कहा ना उसे मत कहना सर। हाय हाय। अरे गुरु अचानक यहाँ? बॉस ने तुम्हें लाने को कहा है, इफ यू डोंट माइंड। क्या गुरु, मैं कब से वेट कर रहा था, बाइक संभाल के चलाना चाहिए था ना। बॉस आप बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे ये मैं जानता था, इसलिए मैं स्पीड में चला रहा था, और ट्रक तो धीरे था लेकिन मैं स्पीड से चला रहा था, लेकिन अचानक मैंने ब्रेक लगाई और एक्सीडेंट हो गया। लेकिन एक बात है बॉस, एक भी खरोच नहीं आई। अच्छा वो ठीक है ना? उसे बिल्कुल कुछ नहीं हुआ बॉस। सीमा भी कहाँ है? सर ऐसा ही अगर चलता रहा ना तो गुरु एक दिन सीमा को लेकर चला जाएगा। चाचा गुरु ऐसा नहीं करेगा, गुरु मेरा आदमी है। लड़की का मन कब बदलेगा कोई नहीं जानता सर, लोकल में शूटिंग किया तो आपकी कोई चाहत पूरी नहीं होगी, अगर आप फॉरेन में शूटिंग करेंगे तो आपकी सब चाहत पूरी हो सकती है, अच्छे से मजे कर सकते हैं। प्रोड्यूसर आपसे बात करने आए। शूटिंग रोक दीजिए। क्यों सर, शूटिंग तो अच्छी चल रही है। शूटिंग फॉरेन में करने की फैसला कर लिया है सर।
शूटिंग कहाँ करना है तो डायरेक्टर फैसला करता है, प्रोड्यूसर नहीं कर सकता क्या? कर सकते हैं सर, करिए करिए। कृष्णा तुमने हमारी शूटिंग फॉरेन में क्यों शिफ्ट कर दी? छोटी सी सरप्राइज है, कोर्ट से डिवोर्स ऑर्डर आ गई है और इसीलिए हम चाहते हैं हम इसे फॉरेन में सेलिब्रेट करेंगे। और ये सब किया है लॉयर। अरे अरे गुरु, मैंने सुना सब शूटिंग के लिए फॉरेन जा रहे हैं, क्या मैंने सही सुना? बहुत बुरा लग रहा है। फॉरेन जाना? नहीं यार, बॉस की हरकतें ठीक नहीं है। मैं सीमा से सब कुछ बताना चाहता हूँ लेकिन कैसे बताऊं? जरा वहां देख, सीमा तो बहुत खुश है यार। इतनी खुशी तो इसको सिर्फ तुम्हारा बॉस ही दे सकता है। तुम इसके लिए क्या कर सकते हो? सिर्फ एक कप दही चावल और अचार ही दिला सकते हो यार। मेरी बात सुन, उसे पैसे वाला ही प्यार चाहिए। तुझे उसकी कंपनी में MD बनना है। तुम्हारा बॉस किंग है, वो क्वीन है और तुम जोकर हो। तुम जोकर बनके उनको मिला दो। ए गोलगप्पा, तुम क्यों चिल्ला रहे हो? अब्रॉड तुम जरूर शूटिंग में जाओगे। थैंक यू। लेकिन बॉस की वाइफ वहां नहीं आएगी। मैंने उसे नहीं बुलाया यार। क्यों नहीं, क्यों नहीं आएगा वो? उसे बुलाएंगे तो वो जरूर क्यों बुलाएंगे? शूटिंग कहाँ है? अब्रॉड में। कौन आएगी? सुंदर मॉडल आएगी और अगर वहाँ बॉस की वाइफ आ गई तो बॉस का मूड खराब हो जाएगा, शूटिंग कैंसिल हो सकता है, इसलिए हम उनको नहीं बुलाएंगे। समझ गए तुम? गुरु तुमने सही कहा, दूसरों की बात चुपके से सुनना गलत बात है। करेक्ट। चुपके से सुनने वाला बैड कैरेक्टर है, ये कहना गलत बात है। आई अप्रिशिएट। वो आएगी तो बॉस की एक लाइफ है, नहीं आएगी तो बहुत वाइफ है और जॉली एक लाइफ है। गया। पूरी बात वो यहाँ से समझ के गया। तुमने मुझे जोकर कहा था ना? जोकर चाहे तो कुछ भी कर सकता है। सोचो तो मिला भी देगा, नहीं तो पूरा डुबा भी देगा। वेलकम बॉस, आइए आइए। वेलकम मैम। हेलो। आप भी आइए। सब आ गए ना? सब ले रहे हैं बॉस। तुमने रूम ले लिया ना? मैं ले लूंगा बॉस। सीमा और मेरा अगल बगल में रूम होना चाहिए और बाकी लोगों का रूम थोड़ा डिस्टेंस में रखना। ओके, टेक केयर। क्या हुआ यार? बॉस ने तुझे कुछ कह दिया क्या? बॉस और सीमा के लिए एक ही फ्लोर पे अगल बगल में रूम चाहिए। तुम हैंडल तो अच्छे से कर ही रहे हो। जाओ जाओ जाके रूम देखो। बकवास बंद कर। एक्सक्यूज मी। यस। मुझे नॉर्थ साइड टॉयलेट रहे रूम ऐसा चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा। नॉर्थ साइड में चाहिए क्या? ये वास्तु प्रॉब्लम, तभी तो खुल के आएगी। ये वास्तु की समस्या नहीं है यार, तुम्हारे पेट की समस्या है। नहीं, मुझे नॉर्थ साइड रूम दोगे या नहीं बताओ? नॉर्थ साइड में रूम है लेकिन तुझे नहीं देंगे। बोल तू मेरा क्या कर लेगा? तो अपन न जाऊंगा, खुला खुला। अरे इस पापी को अगर नॉर्थ में रूम नहीं देंगे तो ये फॉरेन को खराब कर देगा। हेलो। हाय सीमा। हाँ कृष्णा, मैं रेडी होकर फोन करती हूँ। ए स्टॉप 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 स्टॉप, जमीन को नाप क्यों रहे हो? मैं बहुत टेंशन हूँ यार, बॉस की वाइफ शील आने वाली थी, मैंने सोचा था लेकिन वो नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्यों नहीं आई वो? खैर छोड़ो, सीमा और बॉस की सुहागरात समझ लो। मैं कुछ रास्ता नहीं है यार। अरे और कोई दूसरा रास्ता है क्या? तो बोल क्या करें? ओ अगल बगल में रूम देंगे क्या? नहीं रे, साथ में रूम देंगे। समझा नहीं। सीमा के रूम के लिए एक लड़की ढूंढनी पड़ेगी। इस देश में लड़की की कोई कमी है क्या? सीमा के लिए एक और मेरे लिए एक, कैसे भी कर दे यार प्लीज। हे, ये करना मेरा काम है, तुमने कैसे सोच लिया पापी कहीं के? बॉस अपनी हरकतें ना दिखा पाए, सीमा के रूम के लिए एक जान पहचान वाली लड़की चाहिए। जान पहचान वाली महिला? हे तुम वापस चल के दिखाओ, एक्शन। जान पहचान वाली? हे तू ही अब वो लड़की बनेगा। क्या मैं एक औरत? हाँ यार, अब तू ही उस लड़की का गेटअप लेगा। कौन अरुल? तू ही। कौन आंटी? तू ही। मैं खुद की आंटी बनू क्या? हाय सीमा। गुरु एक छोटा सा सरप्राइज है। ओ
नमस्कार सीमा। नमस्ते। ये है आरुल की आंटी, मुझसे मिलने आई थी और तुमसे मिलना चाहती थी, इसलिए मैं ले आया। हाय सीमा, तुम बहुत सुंदर। थैंक यू। डोंट कॉल, लेट्स गो इनसाइड। कम इन। हे, रूम कहाँ है? बस हो गया सीमा। आंटी तुम्हें अपने साथ ये शहर घुमा के दिखाना चाहती हैं। ऐसा क्या? ऐसा कुछ नहीं, रूम में ही रहेंगे। ए, आंटी आप ही शहर घूमना चाहती हो? या मुझे इंडोर आउटडोर कुछ भी ओके है। ठीक है, मैं कृष्णा से बात कर लेती हूँ। कृष्णा हम दोनों के बॉस हैं। इसका बॉस? ओ सॉरी, लुटेरे गैंग का बॉस है क्या? हाँ यार, मुझे भी साथ रखने के लिए कहो ना। ये मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। बॉस आप लोग नीचे चलिए, मैं बॉस को इन्फॉर्म करता हूँ। चलिए चलिए चलिए, टाइम ट्रैफिक बहुत ज्यादा। चलिए 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 चलिए। मुझे रखेगा और मैं दूसरों को रखने देगा। बॉस, इसी शहर में आरुल की आंटी रहती है। नाइस। वो मुझसे मिलने के लिए होटल आई थी। वेरी गुड। और वो सीमा से मिलना भी चाहती थी। वेरी नाइस। आंटी को सीमा से मिलाने भी ले गया था। और आंटी सीमा को शहर घुमाने के लिए बाहर लेके चली गई। व्हाट बॉस? व्हाई? आई डोंट नो बॉस। हम यहाँ पर क्यों आए हैं? शूटिंग के लिए बॉस। मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ? आप भी अपनी शूटिंग करने के लिए बॉस, जानते हो ना। जाओ जाके सीमा को लेके आओ। वो लोग चले गए। अगर तुम सीमा को नहीं लाओगे तो मैं तुम्हारा पासपोर्ट फाड़ कर फेंकूंगा। धीरे बोल। सीमा को लेके आओ, जाओ। यस बॉस। जाओ ना। यस बॉस। डायरेक्टर सर। क्या हुआ? ये शहर का आम है, सिर्फ एक ही मिला है। वेरी गुड। आप ये आम लेके सीधा बॉस को अभी देके आइए। क्यों? बिकॉज़ आई से शो। आपको ये शूटिंग करनी या नहीं करनी है? हाँ बिल्कुल चलाना चाहिए। तो आप एक काम करना, ये आम लेके आप सीधा बॉस के पास जाना और कहना कि ये आम आपको सीमा ने दिया है। और साथ में ये भी कहा है कि आप भी उसके लिए काम लेके आए ताकि रूम में बैठकर एक साथ दोनों प्यार से खाएं। मेरी बात आप अच्छी तरह समझ गए ना? मैं डायरेक्टर हूँ। मैं प्रोड्यूसर। ओके। आंटी आप कितने साल से इस शहर में हैं? मेरी पैदाइश, मेरी परवरिश, मैं बड़ी भी यहीं पर हुई। आंटी आप सच में बहुत ब्यूटीफुल हो। थैंक यू। ये बात मुझे बहुत मर्दों ने बोली। पहली बार किसी लड़की के मुंह से सुनकर मुझे अच्छा लगा। ओके। आंटी अब मुझे ना आइसक्रीम खानी है। मैं भी आइसक्रीम बहुत पसंद करती हूँ, मुझे आइसक्रीम चूस के खाने बहुत मजा आता है। कुछ भी चलेगा। ओके ओके, आई विल गेट टू डेट बी हियर। ओके। हाय सीमा, चले क्या? आंटी आइसक्रीम लेने गई हैं। नहीं, मैं आंटी से मिल के आ रहा हूँ, उनका एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गया। उन्होंने कहा है कि शाम को आकर होटल मिलेंगे। अब चले यहाँ से। हे सीमा, तुम अचानक उदास क्यों हो गई? नहीं, मैं कृष्णा के साथ शहर घूमना चाहती थी। कृष्णा आम के लिए एक बहुत बड़ी बिजनेस मीटिंग करने गया है। सीमा तुम बहुत डल लग रही हो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तुम्हें गाइड बन के घुमाऊंगा। हे मैं एक अच्छा लड़का हूँ, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। ओके। कृष्णा। हाय। सो स्वीट। ये कहां से आ गई? मर गया रे। डार्लिंग, रूम में चले। कम कम ऑन डार्लिंग, तुम्हारे लिए चाय कॉफी मंगाऊं? नो थैंक्स। क्यों, शॉक लगा क्या? बहुत जोर से शॉक लगा है। मुझे तो फटफट खून गर्म होने की आवाज सुनाई दे रही है। अभी बराबर सुनाई दे रहा है ना? थैंक यू। मेंशन नॉट। डार्लिंग तुम अकेले क्यों आ गई? हम दोनों को साथ में आना चाहिए था ना। मैंने सोचा तुम्हें सरप्राइज दे। मुझे कोई सरप्राइज नहीं हुआ क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारी याद में रहता हूँ। थैंक यू डार्लिंग। हनीमून का ख्याल आ रहा है। गुरु भी ये मूड में होगा ना? इसी मूड पे होगा और क्या? गुरु किस मूड में होगा? ये क्या सवाल है? वो सीमा के रूम में ही होगा। मैं जाके देखूं। हाँ जाके देखो।
डार्लिंग अभी तो तुम आई हो, थोड़ी देर रिलैक्स करके जाते हैं। नहीं, इमीडिएटली देखना है। डार्लिंग मैं बस अभी आया, जस्ट अ सेकंड। हेलो गुरु। यस बॉस। बोरिया बिस्तर लेकर सीमा के रूम पे जाओ, मेरी वाइफ आ गई। आपकी वाइफ आ गई? हाँ वही तो कह रहा हूँ। वरी बॉस। ओके बाद में कॉल करती हूँ। छे, ये गुरु तुम टॉवल में क्या कर रहे हो? नहीं तो क्या चड्डी पहन के आता। अरे गुरु तुमने मेरी नाइटी क्यों पहनी है? और कोई ड्रेस नहीं है। रुको, पागल हो गए क्या? अरे कालो कहती हूँ। यस नौची गॉड। गुरु कम इन। कम 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 अंदर। इज अ वेरी नाइस बॉय। अरे तुम क्या कर रही हो? बॉस आ रहे हैं। अरे वो सुनेंगे क्या कर रही हो? छोड़ मुझे। अरे पागल हो गई क्या? बॉस आइए। बॉस आइए। मैम मैं तुम लोगों से मिलके हेलो करने आई हूं। हेलो डार्लिंग, शूटिंग के बारे में कुछ बात कर रही हैं। ओके यू कैरी ऑन। ओके बाय बाय। एंजॉय योरसेल्फ। बॉस सॉरी। बॉस 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 मैं भी यहीं हूँ। तुम अपने रूम पे जा। बॉस शीला रहने तक तुम सीमा का साथ दो। ओके ओके बॉस। थैंक यू बॉस। क्या मतलब? ओके बॉस। मुझे लड़की का भेद बनने के लिए मजबूर करके पता नहीं कहाँ चला गया। अब इस फूल का क्या करूँ? एक्सक्यूज मी। क्या आंखें, क्या रसीले होंठ हैं, क्या शर्माती है। सुनिए ये आपके लिए फूल। ये अभी भी आपके हाथ में। आह क्या हंसी है आपकी। ये क्या, ये आंखें, ये हंसी, ये सब फिल्मी बातें क्यों कर रहे हो? मैं आपको जानता हूँ। मैं भी आपको जानती हूँ। वो कैसे? अभी तो देख लिया। God is great। ऐसा क्या? हाँ, जिसको मैं हर रोज सपनों में देखता हूँ वो आज मेरे सामने साक्षात खड़ी है। ऐसी बात है क्या? हाँ मेरी जान। अरवल भाई। अरवल भाई। अरवल भाई की मैं आंटी। नाम क्या है? लता, लेकिन इस शहर में मुझे सब शॉर्टकट में लेती लेती कहते हैं। गुड। मेरी शादी नहीं हुई है। मेरी भी, पर मेरे हस्बैंड शादी से पहले हो गए। शादी नहीं हुई कही थी? कही थी आपके शहर में शादी होने के बाद साथ जिएंगे, लेकिन ये शहर में साथ रहने के बाद ही शादी करेंगे। हम भी साथ रहे थे और जिए थे, लेकिन शादी होने से पहले ही वो मुझे छोड़ के चले गए। लेकिन ये शहर के हिसाब से मैं कुंवारी हूँ, और ये मेरा मन जानता है कि मैं एक विधवा हूँ। विधवा मत बोलो खुद को। विडो कहूँ क्या? नो, आप विधवा नहीं हो, क्वीन हो। क्या मैं आपकी क्वीन हूँ? मैं आपको जब देखती हूँ तो मेरा उल्टी करने का मन करता है, मैं चलती हूँ। आप मुझे वापस कब मिलोगे? भगवान जब चाहेगा तब हम मिलेंगे। गॉड इज ग्रेट। मेरे चलने का स्टाइल देखकर मजा ले रहे हो क्या? ऐसे मजा मत लो, मुझे शर्म आती है। इसको पता नहीं है किसी भी डर। ये पकड़ लीजिए। ओके सर। सुंदरता से क्या डरना, डायलॉग ये बोलना है, याद है ना? हाय कृष्णा। हे हाउ आर यू? आई एम फाइन थैंक यू। वो लेकर आए हो क्या? लाया हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। इसमें से बस थोड़ा सा डालो और देखो पागल की तरह मूड बन जाएगा। हाँ हाँ ओके, तो फिर बाद में मिलते हैं। ओके थैंक यू सो मच। आपकी त्वचा को मुलायम बनाए और अट्रैक्टिव बनाए। डार्लिंग इस शहर में घूमने के लिए बहुत जगह है। किसके साथ जाऊं? अरे वो है ना। कौन है? गुरु। हाँ यस बॉस। कम 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 कम। क्या हो बॉस? बैठो बैठो। यस बॉस। गुरु अरवल की आंटी इस शहर में है ना? हाँ? उन्हें जरा बुला। शीला को आंटी ये पूरी शहर घुमा देगी। जाओ अभी बुलाओ। अभी बुलाऊं? यस यस बॉस। अरे रे।
अब ठीक है। अरवल। यस सर। कल मैं नयनतारा और त्रिशा को देखा था। शूटिंग में आई थी क्या सर? नहीं यार, उन दोनों को मिक्स किया हुआ जैसा लग रहा था जब मैं तुम्हारे आंटी से मिला था। सर, वो आंटी नहीं है सर। वो क्वीन है। मैं उसके साथ अपनी पूरी लाइफ बिताना सर। चिल्ला मत सर। गुड। मुझे तुरंत तुम्हारी आंटी से मिलना है। आप उनसे नहीं मिल सकते। क्यों? नहीं 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 आंटी है नहीं। क्यों, क्या हुआ? नहीं, जब मैं जाऊंगा तभी वो आ सकती है ना। जा जल्दी लेकर। नहीं हो सकता, मुझे बहुत काम है। बॉस तुम्हारी आंटी से अभी मिलना चाहते हैं। है क्या? कोई और है क्या? और भी कोई है क्या? जा जल्दी लेके आ। ए आंटी को मैं खुद कैसे ला सकता हूँ यार? तू जा तो सही। ठीक है। ऐसा सौंदर्य है जो आपका मन मोह ले। वेरी नाइस। जा रहे, निकल। आई अप्रिशिएट। लता आ जाएगी तो मैं क्या सवाल करूं? लता, सनलाइट में तुम बहुत सुंदर लगती हो, मूनलाइट में कैसी लगोगी? वाओ, क्या एंजल फैंटास्टिक सुपर मार्वलस जिसको ढूंढ रहा था ये सामने अभी आ रही है। नो, आई एम फिल्म डायरेक्टर। क्या आप मेरी फिल्म में हीरोइन का रोल करना पसंद करेंगी? एक्टिंग तो करूंगी। देखो जाए लकी फिंगर है। हाँ, साथ दिया भगवान ने। Handsome boy. मेरे प्यार को इज्जत दो। One side love. Bye. ये है नया लक्स स्ट्रॉबेरी एंड क्रीम। हे, इतना लेट क्यों हुआ? वो गोपाल मुझे बहुत टॉर्चर कर रहा है यार। मेरे लिए इतना एडजस्ट कर ले भाई। तुम्हारे लिए इतना एडजस्ट कर दिया, और बताओ कितना एडजस्ट करूं? ये हैंडबैग संभाल ले यार। ये बहुत छोटा है क्या? मैम, ये है लता आंटी और ये बॉस की वाइफ है शीला। हेलो। बहुत ज्यादा इमोशनल हो रही है। प्लीज बी लाइन बॉस। ये लता आंटी है। लता आंटी, ये हमारे बॉस है कृष्णा। हेलो। शीला, तुम लता आंटी को साथ लेकर ये शहर घूम लो। और गुरु, तुम भी साथ जाओ। बॉस मुझे तो बहुत काम। काम सब मैं देख लूंगा, तुम जाओ एंजॉय करो यार। ठीक है बॉस, चलिए आंटी। आराम से आना, जल्दी आने की कोई जरूरत नहीं है। लता, बार बार आप मेरे से टकरा रहे हो। हार्ट अटैक आएगा, संभल के। मैं तुमसे टकराया तो सपनों में टकराने जैसा लग रहा है। सपने जैसा लगा? सपना ही। सर। हाँ बैठो। आपने मुझे बुलाया था। सर, जो भी बात हम शूटिंग के बाद बात करते हैं ना। शूटिंग पैकअप करने के लिए तो तुम्हें बुलाया। सर, कल रख लेना शूटिंग। सर, मैं डायरेक्टर हूँ सर। मैं प्रोड्यूसर हूँ। ओके सर। अरे गुरु गुरु गुरु, मुझे कैसे पता लगा? मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, मुझसे भूख कंट्रोल नहीं हो रही है। ए, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये शीला के लिए है। शीला के लिए? मैं भूख से तड़प रहा हूँ, तू ये शीला की पड़ी है। ए, मेरी बात सुनो। हमें इस जगह से तुरंत निकलना पड़ेगा। क्यों? नहीं तो बॉस सीमा के लिए कहीं चला जाएगा। इसलिए मैंने इसमें कुछ मिलाया है। खाते ही सीमा के पेट में दर्द होगा और हम तुरंत इस जगह से निकल जाएंगे, समझा? नोटी बॉय गो। सबास। लता, गोपाल, ये लो। ये क्या है? अंगूठी है। अंगूठी किसकी है? तुम्हारे सुंदर से उंगलियों में डालने के लिए। मैं जानती हूँ गोपाल, मुझे ये मंगलसूत्र की तरह देखकर तुम मुझे बंधन में बांध रहे हो। नो नो, हम दोनों मस्ती में एक साथ रहे इसलिए दे रहा हूँ। मस्ती के लिए? मस्ती के लिए?
उठी थी है? मेरे साथ मस्ती करोगे? मैं ना आपको खून कर दूंगी। आंटी मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। व्हाट? ये तो हमारी वो तीन दिन वाली प्रॉब्लम है। नो आंटी, लगता है फूड पॉइजनिंग हो गई है। दर्द हो रहा है आंटी, बाथरूम चलो ना आंटी, मेरे साथ बाथरूम चलो ना। मैं नहीं आ सकती प्लीज आंटी। नहीं आ सकती हूँ यार। चलो ना प्लीज आंटी। अभी तो मैं जाके आई हूँ, मुझे बार बार नहीं आती यार। अरे प्लीज आंटी। आई टेल यू नो, मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं, अकेले जाओ। आप मुझसे नाराज हो क्या? इस तरह क्यों बात कर रही हो? आप बहुत बुरी हो। अरे बचाओ लता, तुम्हारी आवाज चेंज क्यों लग रही है? चेंज लग रही है, गला खराब हो गया। हेलो सर, या आई एम फाइन, शूट विल बी ओवर इन अ वीक टाइम, या थैंक यू। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती है, तुम मेरी एजेंट बनोगी, आई अप्रिशिएट। लता, मेरी वजह से बहुत पैसे खर्च हो गए ना, मैं आपका ये एहसान बोलिए गोपाल मैं कैसे चुकाऊंगी? ए लता, मेरे लिए जो हमेशा गाना गाती हो गाओ ना। गोपाल मुझे जोर से बाथरूम लगी है। गोपाल आप बाथरूम तक क्यों आ गए? गोपाल लता, हम दोनों मिलकर बच्चा पैदा करें, क्या बोलती हो? गोपाल ये क्या कह रहे हो? जो तुम सोच रहे हो कभी नहीं हो सकता गोपाल। शादी करने के बाद तो कर सकते हैं। ये कभी नहीं हो सकता गोपाल। क्यों? क्योंकि उनके जाने के बाद मैं अपनी गर्भ थैली का क्या करती? मैंने ये सोच के उसको दान कर दिया गोपाल। कोई बात नहीं लता, मैं तुम्हारे लिए बच्चा हूँ और तुम मेरे लिए बच्ची हो। तभी भी ये नहीं हो सकता है गोपाल। क्यों? हंस के मेरे साथ बात करती थी, मेरे साथ नाच कर झूम रही थी, ये सब नाटक था क्या? बोलो लता जवाब दो। नहीं नहीं नहीं। हाँ गोपाल, शुरू शुरू में मैं नाटक करने ही आई थी, लेकिन थोड़ा सा नाटक करने के बाद गोपाल तुम्हारे पवित्र प्यार के सामने मेरा नाटक बिल्कुल हार गया गोपाल, बिल्कुल हार गया। मेरी बहुत कोशिश करने के बाद भी मैं नाटक नहीं कर पा रही हूँ गोपाल, मैं नहीं कर पा रही हूँ। अभी भी मैं ये कह रही हूँ गोपाल, मेरे दिल में उसके अलावा किसी और को जगह नहीं। आपकी दी हुई हर चीजें सब मैं रख दूंगी, लेकिन आप मुझे अपनी रखेल नहीं बना सकते गोपाल, रखेल नहीं बना सकते। आप अगले जन्म में चाहे कैसे भी आना और किसी हाल में भी आना, मैं आपका इंतजार करूंगी गोपाल, मैं आपका इंतजार करूंगी गोपाल। वाह ये तो गया यार, पची मेरी इज्जत। Darling, आज का क्या प्रोग्राम है? No program. Why? Aunty is very bad. Is it? मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आपके साथ ही रहूंगी।
गुरु। बॉस आपने बुलाया क्या? हाँ, इंडिया वापस चलते हैं। सुपर्ब। क्या सुपर्ब? नहीं बॉस, हम सब इंडिया जा रहे हैं, बैक टू अवर कंट्री। मैं बहुत अपसेट हूँ, उसे छू भी नहीं पाया। सॉरी बॉस। पेड़ गिरने की वजह से यहाँ पे ट्रैफिक बहुत जाम है और ट्रैफिक को संभालो। अरे चलो 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 चलो, ए चलो साइड पे। अरे आगे बढ़ो। अरे भाई ये क्लियर करने में कितना समय लगेगा? आप आगे की तरफ नहीं जा सकते हो। अब क्या करें? अरे बाबा अभी हम क्या करें, अभी तो हम घर की तरफ भी नहीं जा सकते सर जी। आगे चलो, आगे चलो, मेरे ही घर चलेंगे। चलो चलिए। माँ क्या रे गुरु, फॉरेन से तो तूफान साथ लाया है। सर, सीमा मैम को आप ही रख लीजिए। टकला ड्राइवर, रखने के लिए नहीं, शादी करने के लिए बोलो इसे। अयो मैं वो रखने की बात नहीं किया। हाँ। बारिश होने तक रखने के लिए कहा है, ये लोग कुछ और ही समझ रहे हैं। ये क्या है यार? अंदर आ भाभी, अंदर चलिए। भाभी मैं आपके लिए गर्मा गर्म कॉफी लेके आती हूँ, ठीक है? भाभी ये कौन है जानती हो? अरे मैं कोई क्या सुपरस्टार हूँ जो मुझे देखते ही पहचान ले? मैं भी इसी परिवार का एक हिस्सा हूँ, मैं बेटा गुरु का पिता हूँ। हाँ। मामा ये क्या हो रहा है, कोई तुम्हें समझाएगी यहाँ क्या हो रहा है? मैं समझाता हूँ। गोपाल नाम के एक आदमी ने फोन किया था, कहा तुम एक लड़की से प्यार करते हो और तुम उसके साथ विदेश में कहीं घूम रहे हो, और उसने कहा उसके साथ तुम्हारी मंगनी भी हो गई है। ऐसा कुछ भी नहीं है माँ। नहीं है? ये मेरी फ्रेंड है सीमा, है ना सीमा? हाँ माँ। क्या गुरु तू भी क्या करता है? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, तुम कभी मेरी बात मानती कहाँ हो, जो तुम्हारे मन में आता है तुम वही करती हो। सॉरी। इट्स ओके। सॉरी मैंने आपसे नहीं कहा, सीमा से कहा। बाप रे, थोड़ी देर के लिए मैं टेंशन में आ गया था। तू भी ना, मैं तो बेवजह खुश हो रही थी, तूने सब बिगाड़ दिया। ठीक है ठीक है, सॉरी सॉरी। सुनो घर का खाना खाया बहुत दिन हो गए, जल्दी कुछ बना दो प्लीज। सीमा बारिश रुकने तक तुम यही रुकोगी, मैं जाकर खाना लाती हूँ। अरे खाने के नाम पे ऐसा कुछ नहीं आएगा, जो भी आएगा उसे एडजस्ट कर लेना। जल्दी खत्म करो। करती हूँ करती हूँ। कहाँ जा रही हो? हॉस्टल में। सिर्फ आज का दिन यहाँ रुक जाओ, कल चली जाना। आज वरलक्ष्मी व्रत का दिन है, तुम व्रत में शामिल होगी तो अच्छा लगेगा। नहीं माँ जी, कुछ काम है मेरे लिए। प्लीज बेटा, प्लीज प्लीज मेरे लिए प्लीज। माँ प्लीज। मैं समझ गया, सीमा घर के पूजा में शामिल होना चाहती हो ना। हाँ, माँ उसे अभी जाने दीजिए, ऑफिस खत्म होते इसे मैं हॉस्टल से पिकअप कर लूंगा, है ना सीमा? यस बोलो प्लीज। ओके जरूर आ जाना, तुम नहीं आओगी तो मैं व्रत नहीं खोलूंगी। हाँ खत्म नहीं करेगी सीमा, हमें खाना है या नहीं खाना है वो तुम्हारे हाथों में। हाँ सीमा, तुम ये व्रत रखते वक्त पानी नहीं पीना, याद रखना। याद रखने के लिए क्या करोगी? लो ये मोती की माला पहन लो। अरे पानी का पाइपलाइन यहाँ तक गया है क्या? ये मेरा पैर है। ओह अच्छा। अरे सुगना तुम्हारे साइज से तो ये वाटर ओवरफ्लो हो जाता है, लेकिन तुम अंदर आई क्यों? डूबने का फैसला मैंने कर लिया है। तुम डूबना क्यों चाहती हो? मैंने आपसे दूर होने का फैसला कर लिया है। ऐसी क्या बात हो गई सुगना? मेरे भाई को आपकी आंटी ने मना किया है, मैं भी आपको मना करती हूँ। ओ माँ कैसे समझाऊँ इसको। सुगना सुगना अभी क्या करना चाहिए बताओ। तो अपनी आंटी को बुलाओ। आंटी अभी नहीं आ सकती। आंटी और भगवान एक जैसे हैं, वो बार बार नहीं आ सकते। सुनिए फालतू की बातें छोड़िए, सोचकर फैसला कीजिए। अरे इसमें सोचने की क्या बात है, हम दोनों तो लाइफ में एक हो गए हैं, आई मीन एक होना है। गुड, लेकिन आंटी नहीं है ये मत कहना। अरे रे आंटी नहीं है मैं ये नहीं कह रहा हूँ, वो आएगी तो अच्छा होगा ये कह रहा हूँ। हाँ आ गया ऊंट पहाड़ के नीचे। आने वाले शुक्रवार को अपनी आंटी को लेकर हमारे छोटे पाव मंदिर में आना। ओके मैं अपने भाई के साथ पहुंच जाऊंगी। ओके ओके। आरा रा रा, छोटा पाव मंडप कह के बड़ा पाव मंडप चला गया। अयो वापस फिर आंटी।
आइए सर, सीमा ने आपको वेट करने के लिए बोला है। मिस्टर कृष्णा का ड्राइवर यहाँ आया था, उनके साथ वो बाहर गई है और उनसे मिलकर वापस आने तक आपको रुकने को कहा है। सॉफ्ट ड्रिंक ऑर्डर करूँ क्या? नहीं चाहिए। जूस? पानी? हाँ चलेगा। लेकिन सिर्फ पानी क्यों? क्या हुआ तुम्हें? नया माला पहनी हूँ। गुरु की माँ ने पहना है। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, उतार के फेंक दो। क्या सोच रही हो तुम? गुरु मेरे लिए वेट कर रहा है। ओह, वेट कर रहे तो उसे वेट करने दो, मैं उसे ओवर टाइम का पैसा देता हूँ। ड्राइवर सीमा कहाँ है? सीमा मैम और बॉस स्टार होटल में खाना खाने गए हैं। ठीक है सीमा, इस तरह का टेस्टी फूड कहीं नहीं मिलेगी, टेस्ट करो ना। अरे नहीं, मुझे नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? हे, ये 2019 है और उस पर भरोसा कर रही है? मेरे भरोसे को छोड़ो, मैं गुरु के माँ की भक्ति का भरोसा करती हूँ। सीमा तुम कंफ्यूज हो गई हो, तुम्हें ये सब भूलना चाहिए। गुरु माँ रिश्तेदार ये सब कोई तुम्हें साथ देने वाले नहीं है, आखिर तक साथ देने वाला मैं ही हूँ। दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए, तुम्हारी तरह मैं स्वार्थी नहीं बनूंगी। मैं चलती हूँ। सीमा प्लीज मेरी बात सुनो। प्लीज देर कर दी, चलो चलते हैं। ठीक है चलो। क्या हुआ गुरु? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्या होगा? मेरे घर में बिना खाए पिए लोग तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? मैंने जल्दी आने की कोशिश की थी। तुम और बॉस अच्छी तरह खा के आए हो इसलिए देर हो गया, इसमें तुम्हारी गलती क्या है? इसमें मेरी गलती है। एक दिन, सिर्फ एक दिन परिवार की खुशी के लिए मैंने तुमसे कहा था कि समय निकालना, दूसरों के बारे में कभी सोचो सीमा, हमेशा स्वार्थी बने रहना ठीक नहीं है। लेकिन तुम मेरे बारे में क्यों सोचोगी है? तुम्हारे लिए तो बॉस है, रोमांस, कृष्णा का बड़ा घर, बंगला। प्लीज बस करो, कुछ भी बिना जाने बोलो मत। मैं कुछ भी नहीं जानता सीमा, कुछ भी नहीं जानता, इसीलिए मैं तब बेवकूफ की तरह जी रहा हूँ, समझी? गुरु क्या हुआ? हेलो माँ। बस पहुँच ही रहा हूँ, 2 मिनट लगेगा। सीमा तेरे साथ है? हाँ मेरे साथ में ही सीमा। हाँ, हाँ। थोड़ा लेट हो गया। जल्दी आ जा। ठीक है माँ, अभी आया। आज तक मुझे कभी इतना फोन नहीं आया जितना तुम्हारे लिए आज आया है। सीमा मैं एक बात तुम्हें अच्छी तरह समझाता हूँ, इस दुनिया में सबसे ज्यादा मैं अपनी फैमिली से प्यार करता हूँ और उनकी खुशी के लिए मैं कुछ भी करूंगा। ठीक है तुम घर चलो, थोड़ा खुश होके, इतना सीरियस होके नहीं। गुरु क्यों इतनी देर कर दी? नहीं माँ, मुझे ऑफिस में थोड़ा लेट हो गया, बेचारी तो मेरे लिए बहुत देर से इंतजार कर रही थी। सीमा को तो ऑटो में भेज देना चाहिए था ना, इस बेचारी ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। सीमा बस 5 मिनट में पूजा शुरू करती हूँ। मेरी माँ दिन भर व्रत में थी और कुछ खाया भी नहीं होगा, और तुम ये सारा सच बता के उन्हें दुख मत पहुँचाना, समझ गई? खाना नहीं मिलेगा, इस बात की चिंता हो रही। क्यों बेटी? क्योंकि सीमा बेहोश होकर गिर गई थी, उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ता, उसे एडमिट करा के हमें हॉस्पिटल में रहना पड़ता, डर गई थी। थैंक्स सीमा, फर्स्ट टाइम व्रत रखा था ना इसलिए। सब इसी की वजह से हुआ है, काम पे जाने वाली लड़की को व्रत करने को कहेंगे तो क्या होगा? सॉरी सीमा। सीमा तुम सच में व्रत रखोगी? ये मैंने सोचा नहीं था, मैंने गुस्से में पता नहीं क्या क्या बोल दिया, आई एम रियली सॉरी। मेरी माँ ही मेरा फुल सपोर्ट है, मैं उनके दिल को कभी ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। तुम नाराज तो नहीं हो? नहीं। सीमा सीमा आ जाओ, हम लोग ये खाते हैं। हमेशा खाते रहो माँ, मैं सीमा को ड्रॉप करके आता हूँ। सीमा आज यहीं पर रुकेगी, तुम जाकर सो जाओ। ओके, गुड नाइट लेडीज। गुड नाइट गुरु।
गुरु। बॉस बॉस आप यहाँ पे कैसे? बॉस क्या हुआ? बॉस सीमा किधर है? सीमा ठीक ठाक है, अंदर है। सीमा किधर है बताओ? बॉस घर पे पूजा थी इसलिए वो। सीमा को बुलाओ जल्दी। बॉस प्लीज मैं आपको सब समझाता हूँ। सीमा को बुलाओ जल्दी। गुरु ये बॉस, क्या बॉस, है? बॉस कुछ नहीं माँ, बॉस आया मुझसे मिलने के लिए। मैं बात कर रहा हूँ, आप लोग अंदर। मैं तुमसे बात करने नहीं आया हूँ। मेरी सीमा अंदर है, बुलाओ उसे। मैं अभी इन्हें सब बताता हूँ। बॉस मेरी बात तो सुनिए। बॉस मैं और सीमा प्यार करते हैं, जल्दी शादी करने वाले हैं, लेकिन आपका ये बेटा इसका मन भटका रहा है। बॉस सीमा गुरु की लवर नहीं है, मेरी लवर है, आप लोग समझ जाइए। बस 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 छोड़ मुझे। बॉस मेरी बात सुनिए। बॉस बॉस मैं आपको सब समझाता हूँ। बॉस गुरु मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बॉस गुरु आप अंदर जाओ, मैं और बॉस हमेशा प्यार से ऐसे खेलते हैं, है ना बॉस? गुरु बॉस प्लीज, बॉस प्लीज, बॉस प्लीज, बॉस गुरु गुरु छोड़ मुझे। माँ माँ क्या हुआ? माँ आंखें खोलो। माँ सीमा को जाने दो। ऐसा कुछ नहीं है माँ, मैं आपको सब समझाता हूँ, सब ठीक है। कोई सीमा को जाने दे। माँ माँ अरे यार छोटा वाला मंडप कहाँ है? कहाँ लता? लता आंखें खोलो। गोपाल गोपाल नो, आइंदा तुम सरोजा देवी बनकर मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। हाँ? हो फैसला चाहिए। फैसला चाहिए? हाँ। हाँ? कोई बात नहीं, तुम मुझे पहना दो। हाँ? लता ये समाज के खिलाफ है। हाँ? समाज के साथ है गोपाल, समाज के साथ है। बिरयानी का कॉम्बिनेशन दही कांदा, दही चावल का कॉम्बिनेशन अचार है, क्वार्टर का कॉम्बिनेशन मिक्सचर है, ये शुगना का कॉम्बिनेशन एरवल है। एरवल? हाँ मेरे यार, तुम मुझे टू पीस में देखना चाहते थे ना, अभी देख लो। अच्छी तरह देख ले, योगा मास्टर एरवल को ध्यान से देखा ना। चलो शुगना हम चलें। रुको, टेल मी, थोड़ा ज्ञान दे दो प्लीज। ध्यान से सुनो, अगर आप किसी से प्यार करते हो तो सबसे पहले ये जानना चाहिए वो महिला है या पुरुष, तुमको ये ज्ञान होना चाहिए। गुरु। यस बॉस। सीमा बहुत सुंदर है ना? यस बॉस। सुंदर लड़कियों को धोखा नहीं देते ना? हाँ बॉस। इसलिए मैंने एक फैसला किया है। हाँ बॉस करेक्ट बॉस, आप उस लड़की को छोड़ दीजिए बॉस। शट अप, वो बात नहीं है, मैं उसे शादी करना चाहता हूँ और हमारी शादी की जिम्मेदारी तुम्हें ही लेनी होगी, और ये बात शीला को बिल्कुल पता नहीं होनी चाहिए। अब तुम्हारी जिम्मेदारी होगी किसी तरह सीमा को मनाकर शादी के लिए हाँ करा। ओके? यस बॉस। गुड, सुपर सर, मुझे सीमा चाहिए। इसमें प्रॉब्लम कहाँ है सर? अगर ये हो गया तो मैं तुम्हें एमडी बना दूंगा। शिट। क्यों भाई, मुरझाए हुए फूल की तरह क्यों शक्ल बना रखी है? बात क्या है? बस शादी करना चाहते हैं। किससे? सीमा से। तो करने दो ना। ए, सीमा से ये बात मुझे बताने को कहा है, मैं उसे कैसे? नहीं भाई नहीं, मैं इससे आगे कुछ नहीं कर सकता हूँ। मेरी बात सुनो, मैं पहले ही एक लड़की का रूप बना करके बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया था। मेरी प्रॉब्लम के बारे में तुमसे डिस्कस करना चाहा तो तुम्हारी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम से ही बड़ी हो गई।
ये प्रॉब्लम सब बिना प्रॉब्लम के सोल्व करना मेरा प्रॉब्लम बन गया, ये प्रॉब्लम है। तू मुझे कंफ्यूज मत करो यार। हाँ। ऐसे लोगों से ऐसे ही बात करेंगे तभी ये सुधरेंगे। हेलो गुरु, तुम तुरंत मालाजी मंदिर में आ जाओ बेटा। पिताजी अभी मंदिर अचानक क्या हो गया? सब ठीक है, कुछ खास बात करनी है तुमसे। ठीक है आता हूँ। हे सिम्स, तुम यहाँ कैसे? यहाँ आने के लिए मेरे पिताजी ने फोन किया था। मेरे पिताजी ने फोन किया था। सब लोग अगर यहाँ तो इसका मतलब कुछ बड़ा ही कंफ्यूजन है। अरे ये क्या है? गुरु, ये मेरे मम्मी पापा हैं। नमस्ते। नमस्ते। आप लोग अचानक यहाँ कैसे? ये सब तुम्हारी माँ का आइडिया है। ये सीमा के पेरेंट्स से मिलना चाहती थी, फोन करके इसलिए तुम्हें बुलाया। हमारे पापा तो जेम्स बॉन्ड हैं। बात क्या है? ऐसे ही गेट टुगेदर है मंदिर में। गुरु तुम अंदर जाके भगवान के दर्शन करके आओ बेटा। ठीक है पिताजी। सीमा चलो मंदिर घुमा कर लाती हूँ। सर क्या बात है, आप अपनी पत्नी से डरते हैं क्या? मैं भी डरता हूँ सर। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। बेटा हम तुम्हारे माँ बाप को पसंद करते हैं। मैं कुछ समझा नहीं। आपको हमारा दामाद बनना चाहिए। नहीं माँ, हमारी सीमा बहुत अच्छी लड़की है। आप दोनों मिलके आपस में बात कर लीजिए। सुनो बेटा, हम तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। तुम लोगों का जो फैसला होगा हमें अकल बताओ। मैं गुरु को बचपन से यहाँ लाती हूँ। वो बहुत सीधा साधा है। उसकी एक ही चाहत है, वो बहुत ही बड़ा आदमी बने, और वो जरूर बनेगा। वो अपसेट ना हो इसलिए मैं बार बार उसे एनकरेज करती हूँ। उसका बॉस उसे कंपनी का एमडी बनाना चाहता है। बस वो एमडी बन जाए। सीमा, मेरी चाहत ये है कि तुम हमारी बहू बन जाओ। मैं तुमसे जबरदस्ती नहीं कर रही हूँ। तुम और गुरु दोनों मिलकर ये फैसला कर लेना। अरे गुरु, तुम किसी लड़की से प्यार करते हो क्या? तुमने ऐसा क्यों पूछा? ऐसे ही तुम्हारी माँ ने पूछने के लिए कहा। नहीं ऐसा नहीं, 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 when there, मैं किसी से नहीं। कुछ भी। क्यों बेटी, बात कर ली? मुझे लगता है ये पास हो गई है। शक्ल देख के तो मुझे फेल लग रही है, देखो तो जरा। ये क्या एग्जाम है? हा? पास फेल जानना है? तू बता। हाँ, उसने कुछ भी नहीं कहा। शादी के बारे में मंदिर में बात नहीं करनी चाहिए। सर आपसे मिलने सीमा आई। उसे अंदर भेजो, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। हे सीमा, कम कम कम। सिट सिट, कैन आई गेट समथिंग? नो नो, इट्स ओके। अचानक कैसे आना हुआ? तुम मेरी मदद करोगे? कैसी हेल्प? करोगे क्या? बिल्कुल करूंगा। गुरु को एमडी बना दो प्लीज। मैंने अगर गुरु को एमडी बना दिया तो तुम क्या करोगी? क्या करना है? जो कहूंगा करना होगा। तुम गुरु की मदद कर दो, तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी। ओके, डील। थैंक यू। ये है लक स्ट्रॉबेरी और क्रीम, जो आपकी त्वचा को करे मुलायम और सॉफ्ट। इसकी खुशबू आपके मन मोह लेगी। एक ऐसा साबुन जो आपके दिल तक पहुँचे, जो स्ट्रॉबेरी और क्रीम से बना है। नया लक्स स्ट्रॉबेरी एंड क्रीम, जो आपका मन मोह ले। थैंक यू। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। मुझे पता है ये शो आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा। अब शुरू होगा डांस पार्टी, जिसे सीमा स्टार्ट करने वाली है। सो एंजॉय। We'll be right back.
दुनिया धोखा है, ये दुनिया धोखा है, खुद को बचा के चल, ये दुनिया धोखा है। ये क्या समा है यार, ये क्या समा है यार, दिल मेरा झूम रहा, ये क्या समा है यार। क्या मखमली है, क्या शबनमी है, दिल भर मेरे आज की रात, मौका है रख ले बाहों में कस ले, हम दम मेरे तू अपने पास, गाओ ये सब मेरे साथ, गाओ ये सब मेरे साथ। ये दुनिया धोखा है, ये दुनिया धोखा है, समझने की कोशिश तो कर अब तो, गाओ ये सब मेरे साथ, गाओ ये सब मेरे साथ। ये दुनिया धोखा है, हाँ हाँ ये क्या समा है यार, मैं अब बताऊं कैसे दुनिया जो करती है, चाहो जो कहना सबसे तुम भी वो कह सकते हो, कहना बहना कल खो जाओ इस पल, तेरी बातें हैं जैसे ताजमहल, अब भी ओ जन्म वो मौसम, गाओ ये सब मेरे साथ, गाओ ये सब मेरे साथ। ये दुनिया धोखा है, ये दुनिया धोखा है, मेरा दिल झूम रहा, ये क्या समा है यार, क्या मखमली है, क्या शबनमी है, दिल भर मेरे आज की रात, मौका है रख ले बाहों में कस ले, तुम मेरे तू अपने पास, ये क्या समा है यार। कम गुड मॉर्निंग सर। कम ऑन गुरु, प्लीज कम इन सर। ऑफिस कैसा लगा गुरु? बॉस बहुत अच्छा है। ये किसका है? तुम्हारा है। यस बॉस। बॉस ये मेरा ऑफिस है बॉस। बॉस बॉस सिट सिट बॉस। थैंक यू बॉस। अब से कुर्सी तुम्हारी है। कैसा लग रहा है तुम्हें? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बॉस। वेरी गुड वेरी गुड। तो तुम्हारा सपना पूरा हुआ ना? यस बॉस। दैट्स गुड। अब इससे भी बड़ी खुशी मैं तुम्हें दिखाना जा रहा हूँ। अब देखो क्या सरप्राइज है। आओ
आज के दिन सबकी चाहत पूरी हो रही है। गुरु को खुद की ऑफिस मिली, मुझे अपनी सीमा मिली और सीमा को मैं मिला हूं। गुरु, हम दोनों को मिलाने वाला सिर्फ तुम हो और इसलिए तुम्हें ये ऑफिस प्रेजेंट करने का फैसला हम दोनों का ही है। और दूसरे एक सरप्राइज के बाद बताऊं, ये नए ऑफिस की चाबी तुम्हें सीमा के हाथ से मिलेगी। सीमा के हाथ से मिलेगी तुम्हें। सीमा दो उसे, कम ऑन। यस गुरु, सॉरी, लवली, थैंक यू। सीमा आज गुरु को एंजॉय करने दो, हमें गुरु को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ओके गुरु, अपने सीट में बैठकर एंजॉय करो और मैं और सीमा कोचिंग बोर्ड पे जा रहा हूँ। चले डार्लिंग, कम, सी यू गुरु। गुरु मुबारक हो यार, ये लो। ये मुबारकबाद मुझे नहीं चाहिए। क्यों भाई? और ना ही मुझे ये ऑफिस चाहिए। हे, यही तुम्हारा लक्ष्य था, चल अब चेयर पे बैठ जा। ये मेरा लक्ष्य नहीं है, ये रिश्वत है। सीमा को कभी भी कुछ भी सच पता ना चले इसलिए बॉस ने मुझे रिश्वत दिया है। ये मुझे नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूँ। तुम कहाँ चले भाई? सीमा को सारी सच्चाई बताऊंगा, बॉस के बारे में सब कुछ सीमा को बताऊंगा। सी यू बाय। रुक यार, सीमा तुझे प्यार करती है क्या? नहीं जानता हूँ, मगर मुझे सीमा से प्यार है। कैश ब्रदर, एंजॉय। सीमा ये मेरा बोट हाउस है, अच्छा है ना? वहां मेरा एक रिसॉर्ट भी है, बस कभी कभी आते रहता हूँ। क्या पियोगी? कुछ नहीं चाहिए। नो, आज हम दोनों वाइन पियेंगे, पता है क्यों? गुरु के एमडी बनने की खुशी में। बाश, हिल क्यों रहे हो? बोट बाश, बोट या नशे में? हाँ, लड़की बेवकूफ बनेगी तो जहर पिएगी और आदमी बेवकूफ बनेगा तो शराब पिएगा। किसने कहा? क्या है बॉस की? आप मुझे बेवकूफ बना दिया बॉस, मुझे एमडी बनाएंगे बोल के गुरु को पोजीशन दे दिया आपने। मैं ये बात सीमा से बताऊं क्या? तो मुझे पसंद करते हो क्या? अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं करता तो मैं एक जिंदा लाश हूँ। आई लव यू। फनी। जोड़ी अच्छी है ना? ब्यूटीफुल। गुरु, तुम मेरे बारे में सोच रही थी ना? हाँ। तुमने मुझे याद किया, लो मैं आ गया। गुरु, गुरु को दिया हुआ ऑफिस मुझे मिलना चाहिए था ना बॉस? ऑफिस नहीं दिया हूँ, चाबी, सिर्फ चाबी दिया हूँ। और चाबी उसे कैसे लेना है मुझे पता है, समझे? सच में? हाँ सच में, निकल यहाँ से, चल। साला मैं तो साहब बन गया। सीमा, मैंने सब सुन लिया है, तुम बहुत ही नीच इंसान हो। सीमा वेट, सीमा, गुरु को ऑफिस नहीं देने वाले हो और मैं ये तमाशा देखूं? सीमा मेरी बात सुनो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं कुछ समय पहले तक तुमको चाहती रही, लेकिन वो चाहत तुमसे नहीं, तुम्हारे लग्जरियस लाइफ से थी। लेकिन अब वो चाहत नफरत में बदल गई। मैं अभी ये बात गुरु को बताऊंगी। गुरु की बात कर रही हो ना? पता है तुम्हें, अगर गुरु तुमसे प्यार करता तो वो एमडी पोस्ट के लिए मना कर देता। वो मुझे प्यार करता है या नहीं इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन गुरु मेरे दिल में है ये मैं जान गई हूँ। What? मैं गुरु से प्यार करती हूँ ये मैं कह रही हूँ। सीमा, 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 ये अच्छा ही हुआ ना कि तुम सब कुछ मेरे बारे में जान गई। सीमा प्लीज, बस एक दिन सीमा, प्लीज प्लीज सीमा, प्लीज सीमा, सीमा प्लीज एक दिन सीमा, प्लीज। ए, तुम यहाँ क्यों आए हो? नाना, मैं नहीं आया। मैं नहीं आया, लाया गया हूँ। वेलकम वेलकम। सीमा, सीमा, तुम जानती हो मैं यहाँ क्यों आया हूँ? तुम्हें एक जरूरी बात बतानी है। बताओ गुरु।
बॉस तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं। वो तुमसे शादी नहीं करेंगे। बेवकूफ सिर्फ तुम्हें नहीं, मुझे भी बनाया, तुम्हें एमडी बनाया, ये बिल्कुल झूठ है। तुम यहाँ क्यों आए हो? गो गेट आउट। मैं नहीं जाऊंगा, अब मैं आपका ऑर्डर नहीं मानूंगा, तुम्हें काम से निकाल दूंगा। तुम मुझे क्या निकालोगे, मैं तुम्हें निकालता हूँ अभी से। ये यस बॉस नहीं चलेगा, चल रहे। गुरु, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा बॉस। गुरु, मैंने इसे पकड़ रखा है। सीमा, तुम बॉस के साथ यहाँ क्यों आई थी? तुम्हें मुझे मना करना चाहिए था ना? तुम चाबी देते वक्त चुपचाप क्यों थी? बॉस से तुम नफरत करती, बताया क्यों नहीं था? अरे चिल्ला क्यों रहे? मैं यहाँ हूँ। गुरु, गुरु, मैं कैसे कहती कि कृष्णा मुझे पसंद नहीं है? तुम्हें तो बड़ा ऑफिस चाहिए था, बड़ा आदमी बनना था। सिर्फ मैं बड़ा आदमी बनना चाहता क्या? तुम भी तो यही चाहती थी। सुनो, इस तरफ आओ, मेरी बात ध्यान सुनो। तुम मुझे क्यों बड़ा आदमी बनाना चाहती थी? तुमने उस दिन कहा था कि दो साधारण आदमी एक साथ रहे तो कुछ नहीं हो सकता। एंड हाँ, ठीक है, तो मैंने तुमसे उस दिन पूछा था ना कि तुम किस लड़की से प्यार करते हो कि तुमने किस लड़के से पूछा था? मुझसे प्यार करती हो पूछा था क्या? तुम्हारे पास हर सवाल का जवाब है। कहाँ जा रही है मुझे छोड़ के? सुनो, रुको, वेट। तुम्हें सिर्फ मेरे मिस्टेक्स याद है, मैंने तुम्हारे लिए उपवास नहीं रखा था क्या? उपवास? सिर्फ तुमने उपवास रखा था क्या? मैंने कुछ नहीं किया था क्या? मैंने फौरन में ही गाना गा के तुम्हें बता दिया कि प्यार करता हूँ। क्या गाना गाया यार? तो मैंने क्या किया था? मुझे क्या पता तुमने क्या किया? तुम कमरे में आम से खेल रहे थे। तो ये तुम्हारा काम था? यस बॉस। नो बॉस। गुरु, एंजॉय बॉस। छोड़ो मुझे। बहुत मजा आया बॉस। उस दिन तुमने गाना गाया था, पर एक बार भी नहीं बता सकते थे कि तुम मुझसे प्यार करते हो। ठीक है, मुझे बताना चाहिए था। मैं क्यों पहले बताती? मैं क्यों पहले बताता? तुम भी तो बता सकती थी ना। गुरु तुम बताओ। नहीं नहीं नहीं, तुम पहले बता दो। लेडीज फर्स्ट। गुरु प्लीज। नहीं, पहले तुम प्लीज 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 प्लीज। गुरु गुरु गुरु। ओके, हम दोनों साथ बताएंगे। ओके, आंखें बंद करो। गुरु, I love you. I love you too. सीमा की कोई बहन वहन है क्या? क्यों? कार की याद आ गई क्या? छी छी, अभी तो सिर्फ गुरु याद है। लेकिन अब तुम तो मेरे पास ही हो। लेकिन तुम चिंता मत करो, ये गाड़ी छोड़ो, बड़ी गाड़ी, बड़ा ऑफिस, बड़ा बंगला सब खरीदूंगा मैं। Is it? ऐसे नहीं, सच में मेरी मेहनत से, ईमानदारी से कमाऊंगा। गुरु, अच्छे लोगों का हमेशा अच्छा ही होता है।
जो भी चाहूं उसको चुटकी में पालू, चाहे जलेबी मुन्नी शीला या शालू, पैसों की बारिश से मैं नहा लूं, मेरी सेल्फी लेने आता है भालू। हेलो मा बेबी कहता रहूं दिन रात, मौसम चाहे कोई भी हो ठंडी गर्मी बरसात, दूंगा तुमको सितारे, मेरी ही हवा चल रही, मेरी ही तो फिजा बन रही,